बाजार में आज है बेहतरीन तेजी और उछाल का दिन। दिन भर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार और फिर से ऊपरी स्तरों की तरफ बढ़ने की है तैयारी। आखिरी डेढ़ घंटे हम मजबूती और बढ़ाएंगे या फिर होगी मुनाफा वसूली। कल की एक्सपायरी के पहले क्या करें आज तैयारी, ये है आज के शो का फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जिस तरह मार्केट्स में उछाल आ रहा है, आज हमारा भी थोड़ा एडवेंचर रहा। अरे जबरदस्त, हाँ, मतलब बाजार में आगे हमें भगाया, दौड़ते दौड़ते नीचे गए, 14 वाले से उतर गए और फिर थोड़ी देर आपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखे। मुझे बहुत लोग ट्विटर पर मैसेज भी कर रहे हैं, अरे क्या हो गया मार्केट में दिन के दौरान रिकॉर्डेड प्रोग्राम चला गए, तो थोड़ा सा ये डिस्ट्रप्शन हुआ था मेरे ख्याल से घंटे भर का। पर थैंकफुली कोई भी इंजर्ड नहीं है, माइनर फायर थी और बिल्डिंग में किसी को परेशान, कम धुआं ज्यादा था पर कुछ फैंस मिल गए आपको रस्ते में, मैंने ऐसा सुना। अरे भाई साहब पूछिए मत, मतलब ये तो बड़ा सरप्राइज है कि आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सर सेल्फी ले रहे, भाई नीचे तो उतर जाओ पता चला कि ये आखिरी सेल्फी साबित हो रही है, बोले यही ली थी हमने। तो चलिए लोग एडवेंचर, आज ये स्मार्टफोन के जमाने में यही है, लोग है ना हर चीज की पहले है ना वीडियो और सेल्फी। एनीवे चलिए, तो अब से फुल फ्लेज ऑपरेशंस के साथ हम तैयार हैं। थोड़ी देर पहले मानसी ने आपके साथ शो किया ही था, अब वापस से बैक टू नॉर्मल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो भी आप खबरें सुन रहे हैं, देखिए मैं दीपांशु एकदम मस्त है, और अगर आपको सबूत चाहिए तो एक और देख लीजिए आशु मदान साहब, वो तो बाहर से आए और फिर भी मतलब पूरे माहौल के। सर आप पहुंच गए ऊपर? बिल्कुल पहुंच गए सर, मैं तो आके देखा, मुझे लगा मॉक ड्रिल चल रही है, बट पता चला कि जेन्युइनली कुछ हुआ है, तो मैंने कहा कि जाना तो पड़ेगा। चार पांच फायर टैंकर और सब पुलिस वुलिस, काफी भीड़ थी सर नीचे, बहुत ज्यादा। बट चलिए सब सुरक्षित है, आपकी दुआएं हैं तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं। पर सर अगर कुछ हो जाता तो वो जो सेल्फी ले रहा था आपके साथ वो क्या लिखता, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब वो कोट क्या डालता है, वंस अपॉन अ टाइम विद अनिल जी के साथ आखिरी सेल्फी। चलिए ठीक है, बाजार मजबूत है जैसा कह रहे थे कि बाजार में आग लगी तेजी की, तो बहुत ही बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। अब तक की बड़ी बातें आपको बता दें, चार दिनों की गिरावट पर लगा है ब्रेक, ये ब्रेक कल आखिरी आधे घंटे में लग गया था, अब ज्यादा मजबूती के साथ लगा है। निफ्टी 1% मजबूत है, 12100 के करीब है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की तेजी है, 30750 के करीब है। सेंसेक्स 300 अंक ऊपर है, ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ। सिर्फ ऑटो शेयर जो आज का सेक्टर दिया था हमने कि ऑटो ये बिकवाली रहेगी, वही कमजोर है, बाकी सारे सेक्टर्स अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। स्पेशली सरकारी कंपनियों में दमदार तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, पीएसयूज, लेकिन इसके अलावा फार्मा, मेटल, एफएमसीजी ये मजबूत है। कच्चा तेल 1% मजबूत है, लेकिन आज हम उसे देख नहीं रहे, मूड हमारा ठीक है, कच्चे तेल की तरफ नहीं देखेंगे। कच्चा तेल $58 के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जब आएगी टेंशन तब आएगी, अभी नहीं है, सिंपल। अनिल जी एक सवाल है मेरे, कैसे कर लेते हैं आप? क्या चीज? पीएसयू स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, पीएसयू आज बढ़िया रहेंगे, ऑटो स्टॉक्स गिरेंगे, साथ ही आपकी जो तीन सुपर हिट कॉल्स रही हैं। आज मेरा दिन है ना, कल मेरा नहीं था, आज मेरा दिन है। तो मतलब मेरा कभी कभी नहीं होता दिन ऐसा, ज्यादातर दिन तो होता ही है ऐसा, ऊपर वाला मेहरबान है ऐसे, तो आज मेरा दिन है तो है बस, अब इसलिए आज कोई पंगे भी नहीं ले रहा हूँ। आज तो आग में से भी निकल के आ जाते, कुछ नहीं होता, निकल के आ गए तो फिर क्या चाहिए। तो इस बीच जो कुछ आज का एक्शन दीप वो वाकई में मजबूती भरा है। सबसे बढ़िया बात है कि एक छोटे डिप की जो जरूरत थी करेक्शन, जैसा जिसने कल तेजी की पोजीशन बनाई है, जिनको शॉर्ट कवरिंग करनी है, वो आपको पहले घंटे डेढ़ घंटे में मिल गया और वहां से फिर से जो रिकवरी दी, और इसलिए हम सुबह कह भी रहते हैं कि आप देखिए बेस्ट बाय लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए 30625 से 30675 का है और आज का लो 30606 का है, एग्जैक्टली वहीं से बेहतरीन बाउंस किया है। बेस्ट बाय लेवल निफ्टी के लिए 12050 के आसपास का, आज का लो 12042 है, वहां से आप देखिए वापस 50 पॉइंट ऊपर आ गया, तो एकदम सही लेवल पे बाजार रिकवर करते हुए दिख रहा है। इसलिए तब हम कह भी रहे थे कि अगर आपकी कल के पुट ऑप्शन लिए हुए हैं तो 12050 के आसपास आप पुट काट लीजिए, 10-15 पॉइंट से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने 12025-30 के लेवल पर पुट लेने को कहा था। बैंक निफ्टी में भी हमने 30630 के आसपास हमने कहा था कि आप पुट लीजिए, और आज का 30600 और 30625 से 30675 की रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचा है। तो ब्रॉडली आपको कल की स्ट्रेटेजी में पुट लेने की वजह से न तो तनाव आया और नहीं कोई बड़ा नुकसान, छोटा मोटा हुआ होगा तो एक अलग बात है। आइए शुरुआत करते हैं शो की, और चार्ट कॉर्नर, चार्ट कॉर्नर चलिए, कुणाल जी राकेश जी तैयार हैं चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर क्या खरीदना है? अनिल जी खरीदना है एस्कॉर्ट्स, बिल्कुल मिस नहीं कर रहा है इस स्टॉक को अनिल जी। 700 रुपए पे हमने कवर करा था पहली बार, फिर 880 पे अनिल जी बोला था
कि ऑलरेडी बढ़ चुका है और यहाँ से भी 25% बढ़ेगा। और अनिल जी, अब जिस तरीके से आपने बोला बाजार में आग लगी हुई है, अनिल जी आग लगाएगा एस्कॉर्ट्स जो पैटर्न है, किसी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सारे लेवल्स तोड़ रहा है और जिस तरीके से भाग रहा है, नए हाई भी लगा दे लाइफ टाइम, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट है, हमने 3-4 दिन पहले भी इस पर खरीदारी की राय दी थी, वहां से धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर आया और आज इसने रफ्तार पकड़ी है। जिस तरह का इसका मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 940 950 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर एस्कॉर्ट्स को बाय करें, 897 पर 900 रुपये से थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 935 रुपये का और दूसरा लक्ष्य 950 का, 950 का दूसरा टारगेट होगा। 935 950 दो रखें टारगेट, खरीदारी करें स्कोर्स में। तो कुणाल जी राखे जी जब जब बोलते हैं ना सही पढ़ते हैं एकदम, और गजब चला है स्टॉक। और वो खबरें भी आ रही थी कोई जापानी कंपनी, हाँ प्रमोटर कुछ स्टेक बेचेगा, बेचेंगे करेंगे, वो आने की भी तैयारियां, कब आती कब जाती। उस दिन भी हमने बोला था कि चल रही खबरें, पता नहीं कितनी सही कितनी गलत, लेकिन खबरें तो है और स्टॉक चल रहा है आपके लिए जोरदार। आइए अब एक बिगुल वागले साहब के लिए। जी सर, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सर। वैसे मेरा भी बाय कॉल एस्कॉर्ट्स में था, लेकिन अच्छा मेरे पास और एक कॉल है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। 618-619 का करंट भाव है, 618-650 के आसपास बाय करके चले, 610-611 का स्टॉप लॉस होगा और 635 का टारगेट होगा, 635-638 का टारगेट कल तक आना चाहिए। ओके, एस्कॉर्ट्स में तो है वागले साहब का भी पूरा सपोर्ट, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल दूसरा स्टॉक है जहां वागले साहब खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 610 के स्टॉप लॉस के साथ 635 का होगा आपका टारगेट, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मैं सोचा था आशीष जी बैठे हैं, ज्यादा जी ने चुप रखना ठीक नहीं है, डांट लगा देंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, तेजी मंदी अनिल जी देखिए, निफ्टी तो रेंज में है, हमने परसों ही जब आपसे कॉल हुई थी जी, ध्यानो एक बेयर स्प्रेड बनाया था कि 11900 तक सेफ है, 11900 से नीचे नहीं लगता, 12,112,000 का ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 8 रुपए, इस वक्त 20 रुपए है, प्रॉफिट ज्यादा की उम्मीद थी लेकिन अभी 12 रुपए पर लॉट आ रहा है, सेफ सेफ था सर, ऊपर में कोई रिस्क था नहीं, 8 रुपए अभी उस वो 35 रुपए का रेट चल रहा है और वो 8 रुपए का, तो इसमें 20 रुपए के करीब पर लॉट अपने को प्रॉफिट आ रहा है, तो एक चीज तो वो हो गई। सो अनिल जी आप अभी देखते हैं जो निफ्टी का रीबैलेंस भी होता रहता है, राइट, निफ्टी को संभाले रखेंगे, इंडेक्स को संभाले रखेंगे, इंडेक्स आपको ट्रू पिक्चर देगा नहीं, ट्रू पिक्चर अनिल जी जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे आपसे, PNB का वादा किया था राकेश जी के लिए सर 40s में लाना है, कल चंद लम्हों के लिए आया अनिल जी 61 का 51 एक लॉट में 83,000 रुपए आते हैं, और जिसके 8,300 का लॉट है सर, एक लॉट में 83,000 आते हैं या जाते हैं, ऐसे कैन बैंक सर 195 का 175, बैंक ऑफ बड़ौदा 92 का 82 सर, 50,000 एक लॉट में आते हैं और जाते हैं सर। मुझे स्टॉक बताओ कि जो ये सारे मदरसन सुमी 5,000 का लॉट बेल, ये इसमें सर कितनों में पैसे आते हैं, जो हमने अगर पिछले 10 दिन में एक एक लॉट भी कोई बेच के रखा होता, बाउंस बैक मार्केट का हुआ है सर, इंडेक्स का हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ इंडेक्स पे गुस्सा नहीं निकालना, स्टॉक्स पे सर कुछ नहीं होता, जो खराब स्टॉक्स हैं और खराब होते जाएंगे। तो अनिल जी वो उसके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है निफ्टी के लिए, स्टॉक्स तो जो खराब है खराब है, एक नया स्टॉक और जो मतलब नया नहीं पुराना ही स्टॉक है जो मुझे नई तरीके से गिरेगा, वो सन फार्मा दिख रहा है सर, वो सन फार्मा दिख रहा है, वो भी मतलब अब 400 रुपए का वो टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है, तो है। तो अनिल जी पुरानी निफ्टी की स्ट्रेटजी, तो पहले एक बार निफ्टी की स्ट्रेटजी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल पहले BTST का निफ्टी की स्ट्रेटजी और उसके बाद हम आपको बताएंगे इवेंट्स आज कल परसों वाली। बताएं सर अनिल जी, जो निफ्टी अभी चल रहा है 12,100 ठीक है, हमें अगले हफ्ते की, अब कल का एक दिन है, फ्राइडे को छुट्टी है, तो वर्चुअली 4 दिन का ट्रेडिंग टाइम है अपने पास थर्सडे से पहले, तो 12,100 की कॉल चल रही है अनिल जी, 90 रुपए के करीब, 90 रुपए चल रही है 12,100 की, और एक ये लेनी है और 12,200 की 46.50 46.50 रुपए 12,200 की 46.50 ये दो बेचनी है। तो अनिल जी ये लॉन्ग करके 1:2 का बुल स्प्रेड बना के आपका 2 रुपए का क्रेडिट आ जाता है आपके पास, बस बना के बैठ जाइए अनिल जी, +2 रुपए
प्लस ₹2, मार्केट नीचे जाए, कुछ हो, कहीं रहे, कुछ भी रहे, ये आपको ₹2 तो आ गए, लेकिन 90% चांसेस हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स में मुझे लगता है कि 12-200 तक जाने की क्षमता है, 200-250 तक, तो अगर 12-200 पे तो पीक प्रॉफिट होगा इसका, तो 100 पॉइंट की रिकवरी उसमें अगर 50 कहीं भी 12-100 से ऊपर बंद होता है, 12-300 तक, नहीं कल नहीं सर, कल का तो प्रीमियम नहीं है, ये अगले हफ्ते का, ये अगले हफ्ते वाला बता रहे हैं, कल वाले में तो सर ₹8-10-4 रह गए, कुछ नहीं रह गया, मैं कल वाला, नहीं कल वाला नहीं सर, ठीक है नेक्स्ट वीक लिख लिया, हाँ ठीक है, कल वाले में तो ₹5-7 कल वाले में तो इतनी प्रीमियम नहीं है, तो ये अनिल जी, ये स्प्रेड ना ₹2 क्रेडिट पे, 4 दिन का ट्रेडिंग है, 3 दिन छुट्टी है, कल का दिन नेगोशिएट करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, बस आप बैठ जाइए सर, 100 पॉइंट की रिकवरी मैं तो कहता हूँ आनी चाहिए, हो भी सकता आ जाए, और उसमें सर पीक प्रॉफिट होगा ये, तो ये ₹2 पे बन रहा है, 20-25 रुपए कभी भी स्प्रेड में मिल जाएंगे, अनलिमिटेड लॉस 12-300 से ऊपर, 12-300 लगता है क्या अनिल जी आपको? कल बताऊंगा, अभी तो आप बैठे हो पास, इसी बात करूंगा क्यों भाई, तो आप 12-100 का, आप तो 12-200 के दो कॉल बेच रहे हो, साथ में आप बैठे हो, 12-250 हमसे पिछले हफ्ते पार हुआ नहीं, नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मैं 12-300 के ऊपर की क्यों बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं होगा, बिल्कुल आशीष सर के साथ हो, नहीं होगा, लेकिन 101 पॉइंट की रिकवरी लगती है सर, 200-250 तक की जगह बनती है, और कल एक्सपायरी का भी दिन, आज सब ठीक ठाक हो गया दुनिया भर में, तो काम हो जाएगा। अच्छा, दुनिया भर की बात नहीं, एक बार जल्दी से मैंने आपको डाउ फ्यूचर्स बता दूं, और साथ ही यूरोप और एशिया का क्या हाल है वो भी नजर डाल लीजिए, और उसके बाद हम आपको इवेंट्स की तरफ ले चलते हैं। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, M6 पे, वाह, और आज रुपया बंद है, रुपया गिरता तो और भी ज्यादा, हाँ क्या बात है, गोल्ड मजबूत है, और ये अच्छी बात है अनिल जी, अच्छी बात नहीं है ये, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, येलो मेटल और इक्विटी साथ साथ नहीं चलते और नहीं चलने चाहिए, या तो गोल्ड गिरेगा, इक्विटी की, ये जो हर बार मैं फिर बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी खराब है, मार्केट को ज्यादा पता है और वो कैचअप करेगी, किसी दिन ये सब बोलने लगेंगे, कैचअप नहीं हुई है, मार्केट कैचअप कर जाएगा इकोनॉमी के साथ, सही बात अनिल जी, इकोनॉमी हाथी है, वो ऐसे नहीं आपके और मेरे कहने पर नहीं पलट जाएगा, मतलब इट टेक्स ए ह्यूज एफर्ट और ह्यूज टाइम फ्रेम जिसमें वो पलटेगा, तो अभी हम सब वो जो होप करते हैं ना, उससे मुझे डर लगता है कि सब लोग इतने कॉम्प्लेसेंट बैठे हुए हैं कि मार्केट को पता होता है, मार्केट को IDFC बैंक के रिजल्ट भी पता थे सर, वो गलत नहीं कहेगा, अगर वो 38 रुपये आता है तो रीजन से आता है, तो अगर मार्केट को पता है तो अनिल जी, मार्केट में ना सिर्फ इंडेक्स को पता है, स्टॉक्स को नहीं वो पता दिख रहा, और अनिल जी फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, HDFC और HDFC बैंक वही है, कहीं नहीं आने जाने वाले, तो आप ही कह रहे हो कि मार्केट नहीं चलेगा सर, देखिए मतलब कितना एक वो अभी आपने वो वागले जी से कहते हैं ना कि टाइम जितना मर्जी ले ले, लॉस नहीं होना चाहिए, हाँ वो नहीं होना चाहिए, टारगेट हासिल होना चाहिए, इसमें हाँ इसमें रिवर्स है सर, कितने टाइम तक आप वेट करना चाहते हैं कि इकॉनमी कैचअप करेगी, वो बात भी ठीक है, सही है, कोई टाइम फ्रेम होगा ना, या मतलब अगर आप रिवाइंड करके भी देखें तो हम कई महीनों कई क्वार्टर से यही बात कर रहे हैं कि अर्निंग इज राउंड द कॉर्नर, लेकिन वो दिख नहीं रही, बट ये जो मार्केट है ना, आगे का तो नहीं बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो वर्स्ट इज ओवर वाला बेसिस तो दिखता है इसमें, कि अब इससे खराब क्या होगा, लेकिन अच्छा होने का जरूरी है ना, ठीक बात है, तो दुनिया भर में जो चिंताएं हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसके दम पर सोना रिकॉर्ड ऊंचे पर है, मैंने अपने अंदाज से बोला है, वाकई में इस वजह से है कि नहीं है, मृत्युंजय बताएंगे, वो ज्यादा सही बताएंगे कि सोना ऊपर क्यों है, इतना रिकॉर्ड पर क्यों पहुंचा है, मृत्युंजय पहले एक मिनट, अरे आप बताएं सर, बधाई तो लो, बधाई आपको सर, बहुत धन्यवाद, लेकिन बधाई आपको, आप कुछ सोने के कॉइन्स हमको रिटर्न गिफ्ट में, छोटे छोटे वाले 1 ग्राम वाले अप्रैल में सर दे देंगे, अप्रैल में, क्योंकि आपकी तरफ से आएगा उसके बाद फिर हम नहीं सर, ये कह रहे हैं अप्रैल से आपकी तरफ से 10 ग्राम आएगा, थोड़ थोड़ के 1 ग्राम देगा, पता नहीं आशीष जी, ऐसी फीलिंग हो रही है अचानक से, अभी हुई कि मैं 2 साल में मैंने कोई लंबी छुट्टी नहीं ली, मैं सोचा अप्रैल के महीने में छुट्टी चले जाऊंगा सर, कनाडा का इन्विटेशन है आपको, US में आपको साथ में लेके चलता हूँ, बहुत इन्विटेशन है सर आपके पास, बताइए गोल्ड पे इतने रिकॉर्ड बनाने की वजह, बिल्कुल जोरदार तेजी है, और जो अभी आपने कहा कि कोरोना वायरस, ये गोल्ड में तेजी की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दुनिया भर में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, जिसका बड़ा इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, और ये बात सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको बताई थी, हमने साल की शुरुआत में भी आपसे ये कहा था कि गोल्ड 2020 में भी चमकेगा, और लगातार उसके बाद गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, अभी गोल्ड ने 41,574 की नई ऊंचाई को छुआ है, यानी इससे पहले ये भाव गोल्ड का कभी दिखा नहीं था, तो सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस, क्योंकि उसके बाद सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड बढ़ी है, दूसरी महत्वपूर्ण वजह है कि जिस तरह से रुपए में कमजोरी आई है उसका भी इंपैक्ट हमने घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों पर देखा है, और एक और महत्वपूर्ण बात
अब अनिल सर, आपने एक एक फरवरी को बजट के दिन मुझे याद है कि आपने डीएनए में ये कहा था कि गोल्ड खरीदने का मौका यहाँ पर निवेश करना। आपको पता है उस दिन गोल्ड का भाव था 41,250, यानी उस दिन से अब तक 300 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ चुके हैं। अगर उस दिन किसी ने आपको सुनकर एक लॉट गोल्ड खरीदा होगा तो उनको 30,000 रुपए मिल चुके होंगे अभी तक। वाह क्या बात है, 30,000 से ज्यादा गजब। ठीक है, ये गोल्ड में आप देख रहे हैं रफ्तार, और जानकारों से जो अभी हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर यह मानना है कि गोल्ड के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, क्योंकि गोल्ड में एक बड़ी बाइंग हम देखेंगे। गोल्ड ईटीएफ जो एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ईटीएफ है, उसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और साथ ही जो करेंसी मार्केट का की चाल है उसका भी इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। तो कुल मिलाकर जो तमाम हालात हैं वो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत फेवरेबल है, और लिहाजा गोल्ड में लगातार तेजी बनी हुई है। भले ही एक करेक्शन आपको शॉर्ट टर्म में दिख जाए, लेकिन लॉन्ग रन में तेजी का माहौल बना हुआ है। ओके, लॉन्ग टर्म में तेजी। हाँ, नितिन जी ने कॉपी किया अभी किस चीज को, कि एक लॉट बेचा होता लिया होता 30,000, अभी इसने मैंने कहा ना एक तो लॉट, एक लॉट बैंक ऑफ बड़ौदा बेचा होता तो 54,000, एक लॉट पीएनबी बेचा होता तो 83,000। एक्चुअली वैसे क्या है, किया है हाँ तो सही है, तो हर बार ये सर इतने क्रिएटिव लेके आते हैं, हम कॉपी करते हैं। ये गलत बात है आप जो कह रहे, मुझे एक चीज बताओ, अमिताभ बच्चन की कॉपी सब करते, कोई राजीव श्रीवास्तव की करता है क्यों? वो करता सबकी क्यों? आप अमिताभ बच्चन क्या बात कर रहे हैं? अच्छी चीज सीखने में कोई हर्ज नहीं, ये कॉपी नहीं, ये इंस्पिरेशन सीखा इसे। हाँ तो मैं भी सीखता हूँ आपसे, कितना सीखता हूँ सर, क्या बात। तो चलिए, ये है आपके लिए गोल्ड पर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। एक मिनट, एक बार जरा बंसल जी से बातचीत किए बगैर गोल्ड का काम कंप्लीट होगा नहीं, ना उनका होगा ना हमारा होगा। बंसल जी अपने विचार व्यक्त करें। नहीं अनिल जी, मेरा विचार नहीं, अनिल जी विचार नहीं, मेरे दो प्रश्न अनिल जी मृत्युंजय से। एक तो अनिल जी मृत्युंजय से पूछना चाहता हूँ, मृत्युंजय मैंने गोल्ड रिकमेंड किया था 40,250-280 के अराउंड, वो याद क्यों नहीं है? प्रति लॉट कितना मुनाफा है उसमें, एक तो ये बताइए। और दूसरा अनिल जी बड़ा सीरियस प्रश्न है मेरा जी, कि मृत्युंजय मेरा टारगेट है $1,750 का 2020 का, तो मैं यही सोच सोच के डरता हूँ कि अगर 1750 के टारगेट अचीव होते हैं तो गोल्ड खरीदेगा कौन? देखिए मैं तो एक एक ग्राम के 6 सिक्के खरीद लाया हूँ, कि 1750 का अगर भाव होगा तो वो 6 सिक्के मैं अनिल जी को गिफ्ट दूंगा, तब देते हुए भी अच्छा लगेगा एक एक ग्राम के सिक्के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1750 का अगर भाव होगा तो गोल्ड बेचने वाले क्या करेंगे? इतनी खुशी इतनी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही है, एक एक सबको दे दो भाई, 6 एक साथ मुझे, बंसल जी ऐसा हो सकता है कभी? चलिए आप सवालों के जवाब। 1750 आपने जो कहा राकेश जी कि अगर गोल्ड चला जाएगा तो खरीदेगा कौन, भले ही कोई ना खरीदे उस लेवल पे, स्वयं आप, लेकिन जिन्होंने खरीद लिया उनका अकाउंट जरूर हैंग हो जाएगा, इतना मुनाफा मिलेगा। नहीं नहीं बंसल जी खुद खरीद, नहीं उस समय कुणाल जी के, सॉरी बंसल जी के चार्ज पे तब है ना, जब 1750 हो जाए तो 2150 के टारगेट देंगे, तो चार्ट और मजबूत होता है, चार्ट जैसे जैसे बढ़ता मजबूत होता जाता है। तो चलिए, आज सुबह सिल्वर खरीदने की राय दी थी बंसल जी ने, कहा 57,000 हो जाएगा 47,000 वाला, उसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन। आइए अब करते हैं इवेंट्स पर फोकस, और हमारे साथ किरण जी भी तैयार हैं, किरण जी भी आ गए। किरण जी जब तक कहें कि बिगुल बजाना है तब तक मानसी जल्दी से बताइए आज कल परसों। जी शुक्रिया अनिल जी, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया लेकिन इवेंट्स अभी ढेर सारे हैं। आज से शुरुआत करेंगे, NIIT लिमिटेड की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, इसमें डिविडेंड को लेकर सोच विचार होगा जिस पर हमारी नजर है। इसके अलावा नीति आयोग के साथ फार्मा कंपनियों की एक बैठक 2:30 बजे अभी होने वाली है जिस पर फोकस है। दरअसल कोरोना वायरस से जुड़ी चुनौतियों पर इस बैठक में चर्चा होगी, और माना यह जा रहा है कि बैठक में ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, फाइजर, बायकॉन जैसी तमाम फार्मा कंपनियों के मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं। साथ ही FM के आज सचिवों के साथ कोरोना वायरस के असर पर एक चर्चा और एक बैठक भी संभव है, और स्थिति से निपटने के लिए PMO के साथ ये बैठक होने जा रही है जिस पर फोकस रहेगा। कैबिनेट फैसलों पर प्रकाश जावड़ेकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर हमारा फोकस रहेगा। कल की अगर बात करें, गुरुवार का दिन है, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने जा रही है। इसके अलावा RBI और क्रेडिट पॉलिसी के मिनट्स कल ही के दिन जारी होने वाले हैं। DHFL कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक बैठक होने वाली है, और इस बैठक में मिली हुई बोलियों पर चर्चा होने की संभावना है। 21 फरवरी
जनवरी यानी कि शुक्रवार का दिन एक ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर भारतीय बाजार शुक्रवार के दिन बंद रहने वाले हैं। लेकिन इस दिन वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाए में 1,000 करोड़ का भुगतान होने की संभावना है और साथ ही दो कंपनियां जिसकी बोर्ड बैठक है बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो दोनों ही इंटरिम डिविडेंड पर फैसला सुना सकती है, तो इन बोर्ड मीट्स पर भी हमारी नजर होगी। ओके, तो ये हैं कुछ अहम इवेंट्स जिस पर हमारी नजर रहेगी। कुछ शेयरों में भी आज एक्शन देखने को मिला और राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर की भी बात करें तो पहले एक चार्ट कॉर्नर ले लेते हैं, फिर देवांशी से पूछ लेते हैं कौन से स्टॉक्स फोकस में है। एक बिगुल बजाते हैं राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर। दिवांशु, खरीदारी की राय है जुबिलेंट फूड पर, काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है, क्लियर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है ये स्टॉक एक बड़ी तेजी 50 से 60 रुपए की तेजी इसी सीरीज में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, एक बुलिश सॉसर पैटर्न इसके डेली चार्ट्स पर विकसित हुआ है जिसका ब्रेकआउट अभी अभी हो रहा है। 1900 रुपए का भाव चल रहा है, इन स्तरों पर इसको बाय करें। यहां पर 1878 पर एक स्टॉप लॉस रखना है और पहला लक्ष्य जो है वो 1935 का, दूसरा टारगेट 1955 का होगा। तो 1935-1955 के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स को बाय करें। और साथ ही एक अपडेट है अनिल जी की, वोल्टास जो मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे खरीदारी की राय दी थी इसमें हमारे लक्ष्य हासिल हो गए। और साथ ही अनिल जी आपको एक वाहवा भी बोलना था, तो आपने वो जो ट्वीट किया है उसके जवाब में वाहवा आप ऑन एयर स्वीकार करें अनिल। अरे वाह, क्या बात है, मुझे लगा बहुत लोगों को आह लगी होगी लेकिन आपको वाह वाह लगी, धन्यवाद सर। ठीक था ना, मतलब मैंने इतना जिस हिसाब से सस्पेंस बनाया, जिस हिसाब से बोला डालूंगा उस हिसाब से शेयर ठीक तो था ना। नहीं अनिल जी, आप शेयर ऑन एयर पढ़ते तो और भी अच्छा लगेगा अनिल जी। कुणाल जी, आप या अनिल जी वो शेयर पढ़ते हैं फिर मुझे भी उसके बारे में कुछ कहना है। एक्चुअली मेरे जो वो शेयर लिखा है ना वो, अच्छा चलो आप इतना बोल रहे तो मैं बता ही देता हूँ पढ़ के, जिन लोगों ने नहीं ट्विटर पे देखा है उनके लिए कर देता हूँ, ठीक है। उस और वो क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह ये नहीं कि मुझे शेयर सुनाना है, वो इसके लिए कि उसके ऊपर है ना उसका जवाब में एक शेयर है ना इधर आशु जी ने लिख डाला है, देखो मैंने लिखा विद लव प्यार सहित, अच्छे लग जाते हैं हम बहुतों को, यह भी अच्छा नहीं लगता बहुतों को। दीजिए जवाब। कुणाल जी, हाँ अनिल जी ने क्या लिखा था, अच्छे लग जाते हैं हम बहुतों को, यह भी अच्छा नहीं लगता बहुतों को। तो मैंने कहा अगर मैं लिखता तो अनिल जी कहता कि बुरे लग जाते हैं हम बहुतों को, यह भी अच्छा नहीं लगता बहुतों को। क्या बात है, वाह। एक शब्द चेंज करके आपने कुणाल जी बहुतों को बुरे लग जाते हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो हमारे वैलेंटाइन है। अनिल जी एक आशु जी के लिए एक छोटी सी बात है, आशु जी ने अभी चश्मा पहना हुआ था अनिल जी, आशु जी कमाल के लग रहे थे जी, तो पॉपुलर डिमांड पे आशु जी चश्मा पहने रखे हैं। बिल्कुल वापस आ गया कुणाल जी। इसमें प्रोफेसर लुक आता है एक्चुअली, इसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगते हैं एकदम, और जैसे चश्मा हटाते हैं स्ट्रीट स्मार्ट ये है। तो आशु जी कैसे मेरे अच्छे लगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर, माधवीपुरी बुच सेबी चेयरमैन बनने की रेस में सबसे आगे ही हमारे सोर्सेज हमें ये खबर दे रहे हैं। बता दूं माधवी जी पहले काफ़ी लंबे समय तक आईसीआईसीआई बैंक में काम कर चुकी है और उसके बाद अब सेबी चेयरमैन बनने की रेस में वो सबसे आगे चल रही हैं, ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि अजय त्यागी साहब का कार्यकाल पूरा होने की तैयारी में है और उसके बाद नया सेबी चेयरमैन ढूंढा जाएगा, वो ढूंढने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ज़रूर ब्रजेश ही कहीं से ये खबर ढूंढ के लाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि उनकी पूरी नजर रहती है इन सब खबरों पर। तो विस्तार में हम आपको बताएंगे कि क्या उनके अलावा भी और कोई आगे है रेस में। इस बीच देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में हैं। पूरी लिस्ट लेकर आए हैं हमारे साथ देवांशी अशर। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। आफ्टरनून देवांशी, सबसे पहले आज कोल इंडिया, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि कोल इंडिया अपनी जो 4 सब्सिडियरी है उसको बेच सकता है और इस बिकवाली से कंपनी को करीब 20 से 22,000 करोड़ रुपए भी आते हुए दिखेंगे और इससे कंपनी एक मोटा डिविडेंड भी अपने निवेशकों को दे सकती है। और इसी के चलते आप देखिए आज कोल इंडिया में अच्छी तेजी होती हुई दिखी और अप्रैल में ये पूरी डील होने की संभावना है। बीपीसीएल सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआती बोली को मंजूरी दे दी है, अब ये एक पॉजिटिव है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि रिफाइनिंग और मार्केटिंग को एक साथ ही बेचने की सिफारिश भी उन्होंने की है। 30 सितंबर तक पूरी
जो बिक्री है वो पूरी होने की पूरा होने का जो लक्ष्य है वो कर रहे हैं। साथ ही एचयूएल लाइफ बॉय और लक्स साबुन के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने लाइफ बॉय साबुन के दाम करीब 12% तक बढ़ाए हैं, लक्स साबुन के दाम करीब 5.5% बढ़ा दिए हैं। कोटक बैंक इसके लिए अच्छी खबर, जहां पर आरबीआई ने प्रमोटर्स हिस्सा घटाने को अंतरिम मंजूरी दे दी है और 6 महीने में प्रमोटर्स को हिस्सा घटाकर 26% तक करना होगा। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में एजीआर बकाए पर राहत मिलती हुई दिख सकती है। भुगतान के लिए फरवरी अंत तक का समय यहां पे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और इसी के चलते आज टेलीकॉम स्टॉक्स पर फिर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स पर स्पाइस जेट 29 मार्च से 20 नई घरेलू उड़ानें कंपनी शुरू करेगी, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और एमसीएक्स भी आज फोकस में है, जहां पे एनएससी ने 2% अतिरिक्त मार्जिन वापस ले लिया है। गोल्ड, गोल्ड मिनी और ब्रेंट क्रूड पर 2% अतिरिक्त मार्जिन वापस ले लिया है। ये कॉम्पिटिशन के तौर पर एमसीएक्स के लिए बनता हुआ दिख रहा है। बड़े सौदों में भारतीय एयरटेल 10 लाख शेयरों के आज 3 सौदे होते हुए दिखे हैं। 549 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे हुए और मास फाइनेंशियल 6 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। ये हैं कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया देवांशी। किरण जी से मैं एक स्टॉक पूछना चाहूंगा। किरण जी, ऑरोबिंदो फार्मा 20% की तेजी पर है और अब 600 के लेवल टच कर रहा है। वागले साहब से हमने सुबह पूछा तो उन्होंने बोला था 630 के बाद ही वो स्टॉक में इंटरेस्ट लेंगे, पर एक बहुत ही बड़ी रैली आई है एक ही दिन में ऑरो फार्मा में। फंडामेंटली तो न्यूज पॉजिटिव है, क्या टेक्निकली भी अब कह सकते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव ही रहेगा? दीपांशु, बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये अभी जो ऑप्शन फिगर 600 का है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी। जो 11,30,000 शेयर इस लेवल पे है तो इधर थोड़ा सा रुकावट की दौर चल सकता है, पर मेरा मानना है कि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। आपको पोजिशनली ये लॉन्ग पोजिशन रखने चाहिए। 580 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि जो करंट मोमेंटम है ये 650-660 तक ले जा सकता है स्टॉक को। ओके, तो ये है ऑरो फार्मा पर खबर और देखिए किस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है 20% ऊपर। वॉकहार्ट फार्मा भी आज एक्शन में है, लगभग 6.5% की तेजी वो स्टॉक भी दिखा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक बार इसको भी पुलअप कीजिए और वहां पर देखिए किस तरह का एक्शन आ रहा है। 8% की जंप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में है। एफएल इंडिया नया रिकॉर्ड है, स्टॉक ने आज बनाया है, वहां पर भी आप देख रहे हैं लगभग 6-6.5% की बढ़त। बट वागले साहब, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर कॉल दे दीजिए, 8.5% की तेजी, एक फ्रेश एंट्री बनेगी इस स्टॉक पर या फिर अब अवॉइड करना चाहिए? दीपांशु, मैं अवॉइड करूंगा, थोड़ा सा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव आई है और पैटर्न मुझे इतना क्लियर नहीं। हालांकि व्यू बुलिश है वो बात है, बट ट्रेड सेटअप क्लियर बैठ नहीं रहा है। वैसे 770-775 तक स्टॉक जा तो सकता है, बट स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अवॉइड कर लीजिए। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये नहीं खरीदेंगे वागले साहब। आज डिफेंस स्टॉक्स मजबूत है, ट्रंप साहब आ रहे हैं उस चक्कर में कि कुछ न कुछ टाइप्स शायद डिफेंस सेक्टर में होते हुए नजर आए ट्रंप साहब की वजह से। आइए, ये तो हो गया एक का एचएल। अब उन स्टॉक्स पर करिए फोकस जो फंडामेंटली मजबूत हो गए हैं ऑलरेडी, यानी कि उन्होंने दिए हैं बेहतरीन रिजल्ट्स और वो रिजल्ट्स भी ऐसे हैं कि दमदार, जहां मुनाफा दिसंबर की तिमाही में दुगुना होकर आया है। लेकिन ये वनडे वंडर, यानी कि एक तिमाही में अच्छा कमाल करने वाले नहीं है, बार बार करने वाले हैं। तो ऐसे ही वो स्टॉक जो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस तिमाही में 100% मुनाफा बढ़ा चुके हैं, ये है आज की हमारी खास थीम और पेशकश। हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए ऐसा ही एक बेहतरीन स्टॉक जिसने दमदार परफॉर्मेंस दी और देगा भी। आइए देखिए 100% मुनाफा। बताया आशीष, कौन सा स्टॉक है जिसने दिखाई है परफॉर्मेंस तगड़ी और आगे भी रहेगा एकदम शानदार? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है मिश्र धातु, जिसे मिधानी भी कहते हैं। और दिसंबर तिमाही के अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले थे, क्योंकि मुनाफे में 3.5 गुना का उछाल देखने को मिला था। कंपनी का जो मुनाफा है वो 17 करोड़ से बढ़कर लगभग 61 करोड़ हो गया। मार्जिन्स में भी बहुत बढ़िया एक्सपांशन देखने को मिले थे। इनके एबिटा मार्जिन जो है 11% से बढ़कर 28% हो गए और कामकाजी मुनाफे में 235% का उछाल देखा गया था। आय में 35% की तेजी देखने को मिली थी। देखिए कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये कंपनी जो है डिफेंस और स्पेस यानी इसरो के लिए खास
खास तौर के मेटल्स बनाती है और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है, 1776 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि ये विजिबिलिटी दिखाती कि अगले 6 से 8 महीनों के लिए कंपनी के पास पर्याप्त ऑर्डर है, पर्याप्त ऑर्डर है। लेकिन नए ऑर्डर्स मिलने की जो उम्मीद है वो काफी बढ़िया नजर आ रही, क्योंकि देखिए भारत सरकार ने स्पेस प्रोग्राम के लिए करीब 13,500 करोड़ अलॉट की है, जिससे ये विजिबिलिटी नजर आती कि कंपनी को आगे भी जाकर काफी बढ़िया ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इसरो से आती है। इसी के साथ इस महीने के पहले हफ्ते में हमने देखा था कि लखनऊ में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, जहां से कंपनी ने करीब 9 बड़े करार साइन किए थे। एक करार इन्होंने कजाकिस्तान के साथ भी किया था, जहां पर ये डिफेंस के लिए खास तौर के मेटल सप्लाई करेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, आगे भी बढ़िया विजिबिलिटी नजर आती है, फंडामेंटल्स भी बहुत आकर्षक नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, इसलिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी शानदार है, करीब 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और ये वन डे वंडर नहीं है जैसा कि आपने कहा, क्योंकि कंसिस्टेंट एक ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप तिमाहियों के मुनाफे पर नजर डालें तो इस साल की पहली तिमाही पर कंपनी का जो मुनाफा था केवल 23 करोड़ का था, दूसरी तिमाही में बढ़कर 36 करोड़ हो गया और इस बार का आंकड़ा देखिए 60 करोड़ है। ऐसे में 1776 करोड़ की ऑर्डर बुक, इतनी बढ़िया विजिबिलिटी, ये आंकड़ा यहां से भी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिश्र धातु मिधान पर फोकस करना चाहिए, जैसा आशीष बता रहे थे नतीजे भी काफी दमदार रहे और ये वन हिट वंडर नहीं है, आगे भी जाके अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। कल भी हमने आपको स्टॉक के बारे में बताया था और स्टॉक ने नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया था, तो मिश्र धातु निगम पर ध्यान रखिए। आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट कल एक बहुत ही शानदार मूव इस स्टॉक ने दिखाई थी। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, काफी सारी NBFCs इस समय एक्शन में आ रही है। मुथूट फाइनेंस में देखिए एक शार्प स्पाइक आ रहा है इस समय, रेपको होम्स, कैनफिन होम्स को देखिए, इक्विटास को भी देखिए, लगभग 4.5% की बढ़त इक्विटास का फ्यूचर्स भी इस समय दिखा रहा है। तो NBFCs जो कल के सेशन में काफी वीक थी, आज एकदम तेजी के साथ ट्रेड कर रही है। बंसल साहब, इनमें से कोई NBFC जो आपको पसंद हो ट्रेडिंग के लिए? इक्विटास कई बार ये 110 के लेवल को टेस्ट कर चुका है, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो जाता है, आज 110 क्रॉस करा है, पॉजिटिविटी बन सकती है यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, एक तो इसका टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है, नीचे में 104-105 एक अच्छा बेस है, और स्टॉक जो है मुझे लगता है एक बड़े अपमूव के लिए 127-128 के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। बट जब जब ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है, ब्रेकआउट की तैयारी होती है, तो कुछ ना कुछ निफ्टी के साथ हो जाता है, और इस बार काफ़ी अच्छा बेस बना हुआ है, टेक्निकली 106 के नीचे की क्लोजिंग आया है तो निकलना चाहिए, एल्स 127 के टारगेट के लिए एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 120 तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप खरीदारी, लेकिन खरीदारी या बिकवाली करने की राय आ रही है आशीष सर की तरफ से, बिगुल के बाद BTS TT। निफ्टी के बाद आशीष सर स्टॉक कौन सा है और क्या करना है? कोई मंदी वाला तो हो गई पक्का? नहीं अनिल जी, मंदी वाला तो अभी एक्चुअली क्या सब काफ़ी टूट गए हैं, तो मंदी के लिए थोड़ा सा तो हम भी विश करते हैं कि मार्केट ऊपर आए, कुछ रिकवरी हो, बेचने के भाव अच्छे मिले। पर अनिल जी, जो अपने 2-3 स्टॉक्स हैं जिनमें मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, उसमें एक ICICI बैंक है। आप ऐसे बोलते हो कि कोई थोड़ी तेजी हो, ऊपर आए फिर अच्छे बेचे, आमतौर पर लोग बोलते हैं मार्केट खराब हो नीचे आए तो खरीदे। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे सुने मैंने। नहीं आप बात ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन अब आपने कहा कि शॉर्ट क्या करना है, अब वो जो शॉर्ट वाले वीक स्टॉक्स हैं इतने टूट गए हैं, तो हम भी विश करते हैं ना कि बेचने के लिए। आपको भी मुश्किल तो होती होगी कि बार बार नए नए ऐसे शॉर्ट वाले स्टॉक कहाँ से ढूंढे, अब जगह अब आपके 100-100 रुपए के नीचे हो गए सारे तो बैंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम चीज है ना, वो जो वो भी बोलते हैं समीर अरोरा साहब, तो बोले वो भी हमेशा सर, वो भी लॉन्ग शॉर्ट रहते हैं। हाँ, लॉन्ग शॉर्ट हमेशा बढ़िया चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ बिना शॉर्ट के लॉन्ग तो इस मार्केट में ट्रेडर को तो करना, ट्रेडर को सर वैसे इन्वेस्टर को भी करना, ट्रेडर इन्वेस्टर जो मैं तो सर एक कहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के वो जो यूनिट है वो भी लिस्ट करवा दो सर किसी तरह डेरिवेटिव में, तो उसमें भी थोड़ा प्लस माइनस होता रहे। गजब करते भाई साहब, ऐसा कभी होगा नहीं, ये नहीं करवाना। अच्छा तो हम ये कहते हैं ठीक कहते हैं सर, क्योंकि अब वो ना इतने खराब हो गए हैं स्टॉक के सर, अब इनमें क्या बेचे। अब यही सर इन्वेस्टर साइकी भी होती है, जो अच्छा स्टॉक है ना डिवीज लैब कितना बढ़ जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएगा क्या लेना, और ये इससे नीचे जाएगा क्या बेचना, इसी उधेड़ बुन के चलते ना आप देखोगे उनको लॉस होते रहते हैं। जो खराब होना है उसको और होना है, जो बढ़ना है उसी को बढ़ना है, क्योंकि पैसा है वो सिलेक्ट स्टॉक्स को चेस करता है, करता जा रहा है। अनिल जी सिप तो आप बंद नहीं कर रहे हैं, मैं भी कहूंगा तो आप मानोगे नहीं, आप बंद नहीं करोगे, तो सिप का पैसा तो जाना ही है ना कहीं पे सर, वो जब तक वो सिप चल रहा है ना तो वो मिटिगेट कर देता है, तो वो स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान। सर स्ट्रेस तो बहुत आया था तो हाँ, फंड मैनेजर को आता होगा, हमें नहीं आता। बताइए तो क्या, सर, क्या सर ICICI बैंक की स्ट्रेटेजी है दीजिए सर। ICICI बैंक सर अगले महीने की मार्च की 540 की कॉल लेनी है,
540 वाला कॉल मार्च का, हाँ मार्च का लेना सर। क्या भाव चल रहा है अभी? 520 रुपए सर। ठीक है, 520 रुपए कॉल का दाम, 20 रुपए चल रहा है। और 570 का है 7 रुपए सर, वो बेचना है, ये दो बेचना है सर। अच्छा, तो 20 में लिया आपने, 14 में बेच दिया, आपका 6 रुपए का कॉस्ट आया, 14 रुपए आ जाएंगे इससे, 6 रुपए का कॉस्ट हो गई 6 रुपए। सो मतलब 546 रुपए का आपका आईसीसी बैंक लॉन्ग खड़ा हो गया। ठीक है, 546 भाव चल रहा है सर, 546। अब आप लॉन्ग कहां तक सेफ? 600 रुपए तक सर, 600 में माइनस 6 कर लो जो आपकी कॉस्ट है, 594 तक सर। ये इतना बड़ा कैनवस बन जाता है मार्च का कि अच्छे स्टॉक में आप पार्टिसिपेटेड भी रहते हैं, कोरोना वरोना के डर से ऊपर नीचे होता रहे वो भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ऐसा ही स्प्रेड सर भारती में भी है, एक लेने का है बिल्कुल भारती में भी सर, जो अच्छे स्टॉक है वो लेके रखने हैं। लेकिन लेने अनिल जी फिर बोल रहा हूँ ऑप्शन से, आप फ्यूचर से लेंगे आपका सौदा कटेगा ही कटेगा, कोई चीज कटवाएगी कटवाएगी, बात सही है सर। सौदा लॉस से नहीं, यहाँ से कटता है सर, यहाँ से, क्योंकि वो जब अनलिमिटेड लॉस दिखता है ना, यहाँ से नहीं, नहीं यहाँ से नहीं कटता, यहाँ से तो, हाँ यहाँ से तो प्लस होता है, यहाँ से तो प्लस होता है, सब अच्छा लगता है, सब डर लगता है ना यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का, तो उससे कटता है। तो अनिल जी वो भारती का भी मैं आपको स्प्रेड बता देता हूँ, भारती 540 की कॉल लेनी है, ये भी इन द मनी है, 26 रुपए में, सेम अगले महीने वाला ही सेम है। अगले महीने वाला, अच्छा, क्योंकि अब सर प्रीमियम नहीं रह गए तो अभी में ना कोई ट्रेड इतना बन नहीं रहा सर, कुछ लेवल क्यों दे रहे, सेम ही ले लेते ना वही सेम आईसीसी बैंक और भारतीय, 2 रुपए का तो फर्क है, सेम बिल्कुल ठीक है, सेम टू सेम ही है। लेकिन इसमें ऑप्शन ले लो, इसमें एक चीज है सर, उसमें 6 रुपए की कॉस्ट है, अच्छा इसमें क्रेडिट है 1 रुपए का, वही 540 570, 1 रुपए आ भी रहा है, 1 रुपए आ भी रहा है इसके अंदर, गजब है भाई साहब, वेरी गुड। 1.5 रुपए आ रहा है, अभी 2 रुपए आ रहे थे, थोड़ा भारती नीचे आया है तो 1 रुपए आ रहा है। अनिल जी फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ मार्जिन लगा के 540 से लेके 600 रुपए तक भारती, और मैं ये सर स्प्रेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भारती पिछले 2 महीने से चल रहा है। अच्छा, बेचना 570 वाला ही है ना? 570 वाला ही है, दोनों का सेम है, सेम स्ट्रेटजी है उसमें, सेम स्ट्रेटजी है दोनों आईसीआईसी। अनिल जी आप ये देखिए, भारती में भारती अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को लगता है इस महीने शायद नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो बहुत अच्छा स्टॉक भी होता है ना सर, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर आता है, सब लोग बोल देते हैं ना, तो फिर थोड़ी नजर, हाँ थोड़ा सा नजर थोड़ा कंसोलिडेशन में आ जाता है। तो सर वो नजर का नजर के लिए हमने वो ऑप्शन ले ली कि नीचे जाए कुछ ऊपर नहीं है, अगर फिर भी ऊपर जाता है 600 रुपए तक, जी 450 से चला हुआ है, 550 पे कंसोलिडेट होगा, अगर ये 20-30 रुपए ऊपर बीच में खड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छा पैसा आएगा पर लॉट। डन, तो चलिए भारती और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में तेजी का बनाए आप सौदा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर। ट्रंप के इस दौरे पर हमने एक खास रिसर्च की है और इस रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप। संदीप पहला सवाल तो मेरा ये कि ये बताओ आप, ये ट्रंप साहब का प्रोग्राम क्या है, कहाँ कहाँ जाने वाले, कुछ पता चला है? कुछ कुछ आइडिया लग गया है। पहले तो वो अहमदाबाद जाएंगे, पहले दिन जब वो 24 तारीख को आएंगे, और सबसे पहले साबरमती आश्रम जाएंगे, और उसके बाद दोपहर में पीएम मोदी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का वो उद्घाटन करेंगे। शाम को हाउडी मोदी के तर्ज पर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाएगा, ये वही मोटेरा जो स्टेडियम है उसी पे ही ये आयोजन होता हुआ दिखेगा। तो पहला दिन तो आपके सामने ये हो गया। दूसरे में हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली जाएं और वहां पे ट्रेड और डिफेंस डील पर हो सकता है कि मोहर लगती हुई दिखे। ये एक बड़ा इवेंट है जहां तक मार्केट्स की बात है, और उसके बाद हो सकता है वो ताजमहल आगरा वहां भी जाते हुए दिखे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर आइटनरी देखे तो इस लिहाज से पहले अहमदाबाद फिर दिल्ली, उसके बाद हो सकता है वो आगरा जाते हुए दिखे। ओके सर, ऐसी भी बात हो रही है कि अगर ताजमहल जाएंगे तो दो अरेंजमेंट हैं, क्या क्या? या तो बस से जाएंगे, या फिर अगर वेदर अच्छा रहा तो गोल्फ कार्ट स्पेशल एक वो है वहां से भी जाएंगे, तो ऐसे दोनों अरेंजमेंट गोल्फ कार्ट दिल्ली से नहीं नहीं वो ताजमहल जहाँ होटल से उनके ताजमहल से गोल्फ कार्ट से ठीक बात है। तो चलिए ताजमहल भी जा सकते हैं। आगरा दौरे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अहमदाबाद पक्का है, दिल्ली पक्का है, अहमदाबाद तो पक्का है, आपने सुना भी था वो। मुंबई तो नहीं आ रहे ना? अब नहीं, ऐसा नहीं है। ओके चलिए बढ़िया है, तो ये है आपके लिए। अच्छा कुछ आ रहे तो बड़े अनाउंसमेंट तो करेंगे, वो ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया, आपको पता ही नहीं पता है? आपको पता नहीं पता? मुझे नहीं पता। क्या बात कर, आशीष सर को सुनिए, गजब कर दिया सर आशीष सर ट्रंप साहब ने। अरे देखो आपकी स्टाइल देखो, कुछ बड़ा बड़ा कुछ, अरे आप सुनो और उनकी स्टाइल देखो, मजा आ जाएगा आपको। क्या बात करते हैं ट्रंप साहब, सुनाइए जरा। Well, we can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event.
And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? Are you going, Steve? I hope so. Are you going, Jeff? I hope you're going, too. All right. Okay? So I'll see you maybe in the plane. How are you? Marriage is good? Huh? One other thing. सुना ड्रम साहब को? हाँ बिल्कुल, अनिल जी तो हमारी तरह मस्ती करते हैं जैसे हम करते हैं, हम देखते हैं ना वहाँ चलता है जीवन बिल्कुल मुझे भी नहीं नहीं मैं ये कहूँगा तो आप फिर बोलोगे कि बोल दिया, दुनिया के सब बड़े आदमी ऐसे करते हैं नहीं लेकिन ठीक है, तभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं लाइट है, तो उनको पूरी दुनिया की टेंशन है, हमें तो हमारे चैनल की है, आपको आपकी कॉल्स की होगी, जेम की होगी, सबको अपनी अपनी है, तो उनको तो पूरी दुनिया की है भाई, लेकिन आप बड़ा इंटरेस्ट ये है, 70 लाख लोग जुटाने पड़ेंगे ना, जुटाने पड़ेंगे अहमदाबाद की पॉपुलेशन ना पूरी पॉपुलेशन ही आ जाएगी बिल्कुल दे दी, हमारे पास पब्लिक जुटाने लोग तो आ जाएंगे, वैसे पॉपुलर तो हैं वो काफी, इस काम में तो हम माहिर हैं ओके दिक्कत ये हाँ, इस बीच कुछ कुणाल जी या राकेश जी इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहते थे, जी सर बोलिए। अरे ये चार्ट कॉर्नर है, काफी देर से वेट कर रहा है, बता ही नहीं रहे हो आप, मैं कब से देख रहा हूँ आप चार्ट कॉर्नर बोलो तो मैं इसको बंद करूं, बिल्कुल बताइए सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है मुथूत फाइनेंस को, जिसका जिक्र अभी अभी दीपांशु ने किया था, और इस स्टॉक में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ कल के ट्रेड में, ये कुछ शांत था, आज इसमें दोबारा तेजी बनती हुई दिख रही है, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को अगर आप देखें अनिल जी तो एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ गया है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में आपको 950 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो मुथूत को खरीद करके चलने की राय है। ओवर टू राकेश। अरे जी काफ़ी बढ़िया टेक्निकल रुझान है, 866 का स्टॉप लॉस है, 905 पहला टारगेट है, 916 दूसरा टारगेट है, और मुथूत फाइनेंस को खरीदने की राय है। ठीक है, मुथूत फाइनेंस खरीदने की राय है और ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है, सारी या ज़्यादातर NBFCs आज एक्शन में है और उसमें मुथूत फाइनेंस एक बार फिर से मजबूत दिख रहा है। पर संदीप ग्रोवर अभी भी हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे थे ट्रंप साहब के भारत के दौरे का, संदीप जिस तरह की ये डील की अभी बात कर रहे थे या कह रहे थे कि एक बड़ी ट्रेड डील इस बार कर सकते हैं और उस पर डिस्कशन ज़रूर हो सकता है, कुछ संकेत आ रहे हैं कि किस तरह की ये डील हो सकती है, किन सेक्टर्स में हो सकती हैं और कुछ कंपनीज जिनको इनका फ़ायदा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और दीप इनफैक्ट उम्मीदें बहुत हैं कि जब ये ट्रंप साहब आएंगे तो भारत पहली बात जो उनके सामने रखेगा वो ये है कि जो GSP स्टेटस है उसे वापस देने की मांग भारत की ओर से US के सामने की जाएगी। 5 जून 2019 को जो GSP स्टेटस है उसे उसमें जो मिलने वाली छूट थी वो वापस ले ली गई थी, खत्म कर दी गई थी। ये आपको बता दें GSP होता क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें अगर ये स्टेटस वापस मिल जाता है तो जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं फिर से बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा भारत से US में। तो उस लिहाज से रेमंड, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसी जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा जब वो दिल्ली जाएंगे तो जो मिलिट्री और डिफेंस को लेकर बड़ा करार हो सकता है दोनों देशों के बीच में, US से करीब $260 करोड़ के जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है उसकी खरीद को हरी झंडी मिल सकती है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी है जिससे हो सकता है कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए जो डिफेंस स्पेस की कंपनीज हैं, हालांकि ग्लोबल वेक्ट्रा एक इंडियन कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करती है, लेकिन HAL भारत डायनेमिक्स, LNT की बात करें या BEL वॉल्चन नगर, एस्ट्रा माइक्रो, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि फोकस में रहती हुई दिखेंगी। अच्छा, एनर्जी को लेकर भी बड़े करार कुछ हो सकते हैं, एनर्जी सप्लाई की जहाँ तक बात है, रिन्यूएबल स्पेस को लेकर कुछ हो सकता है, कुछ दोनों देशों के बीच में बातचीत होती हुई दिखे तो रिन्यूएबल स्पेस की जो कंपनीज हैं, चाहे आप NHPC देखें, इंडो सोलर, आइनोक्स विंड, गुजरात फ्लोरो, अदानी ग्रीन जैसी जो कंपनीज हैं वो भी फोकस में रह सकती हैं। और तेल गैस को लेकर आपको ध्यान होगा जितना भी हम मिडिल ईस्ट से क्रूड खरीदते थे अब वो कहीं ना कहीं US में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, IOC जैसी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं, हो सकता है जो करार है और भी आगे बढ़ते हुए दिखे, और गैस क्षेत्र में भी हो सकता है गैस की जो खरीद के लिए US की एक कंपनी है टेलूरियन, उसके साथ पेट्रोन LNG के बीच में करार हो सकता है। तो पेट्रोन LNG तो फोकस में रहेगा, साथ ही साथ OMCs जो US से क्रूड इंपोर्ट करेंगी वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। और आखिर में डेयरी मार्केट को लेकर भी हो सकता है US और इंडिया के बीच में कुछ अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखें, कुछ एक्सपोजर बढ़ सकता है भारत में जहाँ तक US की डेयरी
बड़ी कंपनीज है, तो उस लिहाज से जो इंडिया में ऑपरेशनल कंपनीज हैं, प्राग मिल्क, हटसन एग्रो, हटसन हेरिटेज फूड्स, ब्रिटानिया जैसी जो कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। तो चार पांच चीज़ें हैं बड़ी जो कि ट्रंप साहब के रडार पर रह सकती है जब वो आएंगे। और इनफैक्ट आप देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ऑलरेडी मूव करना शुरू कर भी चुके हैं, डिफेंस स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, संदीप जो आप बता रहे थे एचएल और साथ ही भारत डायनामिक्स, दोनों ही काफ़ी मजबूत इस समय ट्रेड दिखा रहे हैं। काफ़ी सारी और कंपनीज जिनके बारे में संदीप ने मेंशन करा, डेयरी है या एनर्जी स्पेस है, वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है, और कुछ टेक्सटाइल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टॉक्स भी इस समय एक्शन में हैं। इस बीच सर मार्केट्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी रेडी, रुकने भी नीचे आ रहे, स्ट्रैटेजी भी रेडी है। ठीक है, एक बार सर की स्ट्रैटेजी के लिए बिगुल और फिर देख लेते हैं मार्केट्स का क्या हाल है। ग्लोबल मार्केट्स से तो सुबह से ही पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं, और आप देखिए डाउ फ्यूचर्स भी इस बार इस समय लगभग 70 अंक की तेजी दिखा रहा है, नैसडैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। ज्यादातर यूरोपियन मार्केट्स से देखें तो वहां पर भी मजबूती के ही संकेत आ रहे हैं, फुटसी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, वहीं फ्रांस और जर्मनी की मार्केट्स भी लगभग 0.5% की बढ़त ही दिखा रही है। हालांकि क्रूड प्राइसेस में अभी भी उछाल बना हुआ है, बट एशियन मार्केट्स की अगर आप क्लोजिंग देखते हो चाइना में थोड़ी सी गिरावट रही, बट हांगकांग और निके दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में आज क्लोज हुए हैं। सर इस बीच आप देखिए हम भी डेज हाई के ऑलमोस्ट पास ही हैं, 110 अंक से ज्यादा की तेजी इस समय निफ्टी में भी दिखा रहा है। करेक्ट, अब पहले निफ्टी की बात करते हैं, 12,100 मेक और ब्रेक लेवल है। अब वैसे जो डेटा दिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 12,100 के नीचे की क्लोजिंग आपको नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग 12,125 के आसपास हो सकती है, यहाँ से थोड़ी ऊपर। उसकी वजह बताऊं दीप, वैसे तो 12,100 के पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट बराबर है, 47 लाख शेयर का और 39 लाख शेयर का, ठीक है, ये दोनों वीकली मंथली मिलाकर। खाली वीकली जो कल वाला देखें तो भी 28 लाख और 29 लाख बराबर है, लेकिन मैं फिर क्यों कह रहा हूं कि 12,100 के ऊपर होना चाहिए, उसकी वजह यह कि 12,100 के पुट में आज 23 लाख शेयर जुड़े हैं वीकली में और मंथली में 9, यानी कि कुल मिलाकर 32 लाख शेयर, ये बड़ा एडिशन है। तो आज दमदार पुट राइटिंग 12,100 पर हुई है, जो कि यहाँ से भी इसको और मजबूत कर सकती है। तो मेरा ये मानना है 12,150 या 12,040 आज जो लो है उस लो को स्टॉप लॉस समझकर यहाँ से खरीदना चाहिए। 12,125 आज या कल सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो तेजी करनी चाहिए। 12,100 के आसपास भी आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, यहाँ से भी कम से कम 25-50 पॉइंट की जगह तो तुरंत है, 25-30 पॉइंट तो आज भी मिल जाए तो बड़ी बात नहीं, 12,025 से 12,035 की रेंज में आप आज भी 12,125 से 12,135 की रेंज में आज भी बंद हो सकते हैं, और आज 30-35 पॉइंट मिल जाए आखिरी पौन घंटे में तो क्या बुरा है, तो आप बुक कर लीजिए, नहीं तो कल के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 12,040। सो नया फ्लोर किस तरह से, रेंज थोड़ी ऊपर हो? हाँ, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है आपको, 12,100 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया मानी जाएगी, और संभावना अभी तक जो दिख रही है, क्योंकि 23 लाख शेयर पुट में होना बड़ा एडिशन है, 9 लाख मंथली वाले में भी है, तो वीकली और मंथली दोनों पर लोग बुलिश हो रहे हैं एकदम, ठीक है। तो ये है निफ्टी का हाल, 12,040 पर आप स्टॉप लॉस रखिए, 12,125-12,150 आपके टारगेट्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी सर आज भी 250 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी देखिए अभी 30,800 पर ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा मेक और ब्रेक वाला लेवल है। वो इसलिए है कि 30,800 के कॉल पर 8 लाख शेयर है, पुट में 5 लाख शेयर, तो कॉल्स थोड़े ज्यादा है, तो अगर 30,800 के ऊपर हम टिक गए तो हम तैयारी कर रहे हैं 30,950-31,000 की तरफ जाने की, वो हो सकता है, उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आइडियली तो आपको है ना 30,700 के आसपास एंट्री करने को मिले तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अब अगर निफ्टी मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी 30,800 के ऊपर टिक रहा है, तो 100-150 पॉइंट की जगह और है, उसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो दोनों इन्हीं लेवल्स पर एंटर कर सकते हैं, यहाँ भी लीजिए और 30,700 आए तो और लीजिए। ओके, स्टॉप लॉस 3,600 होगा। ओके, तो आपको 100 पॉइंट नीचे और मिले तो और लीजिए, 30,800 पे लीजिए, 30,900-30,950-31,000 ये आज और कल के लिए लेवल है। आज 100 पॉइंट मिल जाए तो स्वाहा, ठीक है, आज ही खत्म करिए, नहीं तो कल सुबह ठीक, लेना ही है, ये दोनों में नजर आ रहा है सिंपल। लेकिन अगर आप इन दोनों में से एक लेने का क्या है, दोनों में से एक पूछोगे, निफ्टी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, निफ्टी में ज्यादा वो पोजीशन जिस हिसाब से बनी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हालांकि आप दोनों ले सकते हैं, डिप पर अगर ले तो बेटर है। करंट लेवल्स पर अगर आप देखें तो तेजी अभी भी बाकी है। वोडाफोन आइडिया सर, इस पर खबर आ रही है कि इस समय बैंक गारंटी को एनकैश करने का कोई भी
प्लान नहीं है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, और 40% इस समय स्टॉक ऊपर है। तो टेलीकॉम्स के लिए तो अच्छी खबर है ही, वोडाफोन आइडिया स्पेशली के लिए अच्छी खबर है, हालांकि हम देख रहे हैं भारतीय इंफ्राटेल भी लगभग 6% ऊपर है। बैंक्स के लिए भी इस समय अच्छी खबर है कि एक पॉजिटिव खबर आती हुई, और आप देखिए एक दिन में लगभग 40% इंट्राडे हाई मारा है, जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है। अभी भी 4 रुपए पर ही ट्रेड कर रहा है, पर हाँ पॉजिटिव खबर जरूर आ रही है। एक्सपायरी का ऑप्शन ये देने की तैयारी है इस वक्त सुमित बगड़िया जी की तरफ से बिगुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए क्या है अपडेट। गुड आफ्टरनून, देखिए सुबह हमने एनएमडीसी में बाय का व्यू दिया था, ऑप्शंस में उसका टारगेट हिट हुआ है और अभी डे हाई पे चल रहा है और अभी मजबूत है। और उसके साथ साथ अभी दो स्ट्रेटेजी और है मेरे पास, जिसमें एक निफ्टी का है और एक स्टॉक स्पेसिफिक है। तो निफ्टी के अंदर तेजी ही लग रही है, निफ्टी ने तेजी मेंटेन करके रखा है, सुबह से मार्केट स्टेबल है और यहाँ से मूव ऊपर की तरफ ही देखने को मिलना चाहिए। तो कोई अगर लेना चाहे तो कल का निफ्टी का एक्सपायरी का ट्रेड भी ले सकता है, और मैंने जो भी निकाला है स्पेसिफिकली वो 27 फेब का निकाला है 12100 का, जो कि अभी 90 रुपए के आसपास है। तो 80 से 90 रुपए के बीच में 27 फेब का 12100 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में टारगेट 130 से 150 तक के 27 फेब के 12100 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 130-150 के टारगेट और ये है आपका 12100 वाला कॉल ऑप्शन। ओके, अगले हफ्ते वाला है ना? हाँ नहीं जी, 27 फेब का 12100 का कॉल, 92 रुपए में लेना, 92 में, करेक्ट? हाँ, और ऊपर में टारगेट 150, नीचे में स्टॉप लॉस 40 का स्टॉप। दूसरा क्या है सर? दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक है, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, यहाँ पे सिप्ला अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर। सिप्ला के अंदर 450 का कॉल, 5.60-5.70 अभी उसका भाव चल रहा है सीएमपी, इसको यहाँ पे सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। सिप्ला में हमें लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए 2 से 3 दिनों में। तो सिप्ला का 450 का कॉल ऊपर में 9 रुपए से लेके 11 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, 3 रुपए का इसमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। ओके, तो फार्मा स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिल रहा है, सिप्ला का 450 का कॉल पसंद आ रहा है सुमित जी को। धन्यवाद सुमित जी जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। बट फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बरकरार है, वॉकआउट देखिए हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, 6% का अप मूव था, अब 10% की बढ़त वॉकआउट दिखा रहा है। किरण जी, वॉकआउट पर एक कॉल? देखिए वोखार्ड पे जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि एक रेंज में ही है, अभी भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 400 का है वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बड़ी मूव नहीं देखने मिलेगी, और इसमें 340 को बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए 335 का स्टॉप लॉस रहेगा, और फ्रेश पोजिशन एड न करने की सलाह है अभी के लिए, क्योंकि रेंज बाउंड है ये, नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद हम इस पे ध्यान देंगे, और नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है वो है करीबन 412 पे, तो 412 के ऊपर ही बाय करने की सलाह है फ्रेश अगर बाय करना है तो। ओके, 412 के ऊपर ही बाय करेंगे, पर हाँ पॉजिटिव मोमेंटम है, और किरण जी जब हम बात कर रहे थे तो 2-3 रुपए का अप मूव और आ गया वॉकआउट पर वागले जी के पास एक और कॉल रेडी है बीटीएसटी। वागले साहब के पास तो बीटीएसटी है ही, सुमित जी भी सैटेलाइट छोड़ने को तैयार है। अरे वाह, तो सुमित जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ फिर से, एक्सपायरी का ऑप्शन तो दे चुके हैं, एक मांगा दो दिया और नहीं मांगा सैटेलाइट भी दिया। ये है सुमित जी का बड़ा दिल, वो मिलेगा उससे पहले वागले साहब के लिए भी गुण। बताइए सर। अनिल जी, अपोलो हॉस्पिटल में मैंने मॉर्निंग में कॉल दिया था, हालांकि ड्यूरिंग द डे साइडवेज टू डाउन था और अभी निकल रहा है 1780 के ऊपर, जैसे ये निकला है इसमें स्ट्रेंथ बनी है और मुझे 1810 तक की अपमू दिखती है, यहाँ से एक 25-30 रुपए की अपमू आनी चाहिए कल या मे बी ऑन एन आउटर साइड मंडे तक। मैं इसके लिए 10 रुपए की रिस्क लूंगा, टारगेट मेरा 1810 से 1815 का होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1772। ओके, 1772 का स्टॉप लॉस, 1810-1815 का टारगेट, ये अपोलो हॉस्पिटल टारगेट लगा के मानेंगे भाई साहब, मैं पहले बोल देता हूँ आपको, जब तक नहीं पहुंचेंगे ना वागले साहब इसको छोड़ेंगे नहीं। टारगेट थोड़ा छोटा कर दिया, स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया मॉर्निंग कॉल से, तो अब तो टारगेट की तरफ जाएगा ही जरूर, लेकिन हो जाएगा। सुबह जय ठक्कर ने भी तो आज बोला है अपोलो हॉस्पिटल खरीदने के लिए, वागले साहब और जय दोनों साथ में तो फिर तो टारगेट आने निश्चित है। थोड़ी देर में सुमित जी देंगे सैटेलाइट और उसके लिए रहिए तैयार, कैश मार्केट का स्टॉक जो तेजी से अंतरिक्ष में जाने को होगा तैयार, उससे पहले एक स्टॉक जो तेज तो दिख रहा है, देखने में तो बहुत तेज लग रहा है भाई, अब वो तेज है कि नहीं पता नहीं, बताएंगे संदीप। स्टॉक का नाम है
आलोक इंडस्ट्रीज लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग हुई है 19 रुपए पे आसपास। तो अब सब सरप्राइज करें कि इसे तेजी माने कि क्या करें आजकल। एक तो ये ना जो जो ये सारे 410% पर इसमें है ना एनएससी और बीएससी पे रेट्स अलग दिखा अलग अलग चल रहे एक वो भी 1.1685 1.19 रुपए ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है। और अपने क्या दिमाग लगाना है सारा संदीप बताएंगे। संदीप ने इतनी मेहनत की, संदीप आप ही बताओ। सर ये एक्चुअली आज दोबारा इसकी लिस्टिंग हुई है, रीलिस्टिंग कह सकते हैं आप। शेयर कैपिटल घटाने के बाद ये दोबारा से आज लिस्ट हुआ, जिस वजह से आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो प्राइस चेंज आपको नजर आ रहा है। दरअसल 30 जनवरी ये लास्ट दिन था जब ये ट्रेड हुआ था और उस समय के बाद आप देखिए ट्रेडिंग शुरू हुई है। अब चेंजेस क्या हुए हैं 30 जनवरी से लेकर अब तक? इन्होंने अपना जो शेयर कैपिटल है उसे रिड्यूस किया है, कम किया है। जो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी उसे घटाकर अब 1 रुपये कर दिया गया, यानी कि जो 10 शेयर थे उसको 1 शेयर में, या यूँ समझ लीजिए जो 100 शेयर थे उनको 10 शेयरों में समेट दिया गया है। तो आपकी जो वैल्यू 30 जनवरी की अगर आप देखें 3.30 रुपये की जो क्लोजिंग थी वो अगर स्क्वीज करके 10 टाइम उसे रिड्यूस कर दिया गया शेयरों में, तो जाहिर सी बात है फिर 3.30 रुपये की जो वैल्यू है वो 33 रुपये के आसपास की होनी चाहिए। उसी से पूरा मामला आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपके जो पैसे हैं वो बने हैं या फिर वो कम हो गए हैं। तो कुल मिला के अगर आपके पास 100 शेयर थे वो 10 शेयर बन गए, 10 शेयर थे तो वो 1 शेयर बन गया है। 10 को अगर आप 1 में देखें, 3.30 रुपये वाला जो शेयर था अगर वो 10 वाला 1 हो गया तो उसकी वैल्यू 33 रुपये होनी चाहिए हमारे अनुमान के मुताबिक, और उसकी आज की वैल्यू जो आप देख रहे हैं 410% बढ़ के वो करीब 17 रुपये के आसपास के है। यानी कि जो 33 रुपये का शेयर अब होना चाहिए था नए कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी वैल्यू आप देखिए करीब 17 रुपये के आसपास की है। तो आपको नेट नेट 16 रुपये के आसपास का घाटा है, यानी कि आपकी जो कुल पूंजी लगी हुई है उसमें से करीब करीब 48% या यूँ कहें आधा तो साफ हो चुका है। ये बढ़ा हुआ जरूर आपको दिख रहा है लेकिन आपकी जितनी पूंजी है, क्योंकि जो आपके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो घटकर आप देखें तो 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा रह गए हैं। तो उस लिहाज से आपकी जो कैपिटल है, जो आपका पैसा लगा हुआ है वो करीब करीब आधा साफ हो चुका है। आशीष सर ये एक सिस्टम बताइए, ये जो जो भी है ना ये एनसीएलटी वाले मामलों के बाद में वापस स्टॉक लिस्ट होता नहीं, ये सब होने के बाद में लिस्ट होता है, जैसा इतना इतना परसेंट हुआ और होता है घाटा। वो रुचि स्वयं में भी ऐसे हुआ, बहुत सारे में होता है सर, इलेक्ट्रो स्टील स्टील में भी था। हाँ बिल्कुल। तो ये जो शेयर है ना, जो लोगों को लगता है कि अरे इसको तो कोई और ले रहा है, एनसीएलटी में जा रहा है, और फिर बोले अरे लिस्ट होगा तब बड़ा हो जाएगा, ये सब बेवकूफ़ी है। बिल्कुल है सर। और अभी भी मैं ये ना जीरो आप बोल रहे एग्जैक्टली अभी ऑफ लेट रिसेंटली एक दो किस्से सुनने में आए कि वो क्लाइंट्स ऐसे स्ट्रांग बिलीवर होते हैं ना कि मतलब ऐसे लगता है कि प्रमोटर से ज्यादा स्टोरी उनको पता है। हाँ। मतलब वो प्रमोटर से ज्यादा वो जानते हैं और इस तरह से स्टोरी सुनाते हैं। मतलब आप पेशेंस से सुन लेते सर अब मतलब अच्छा ये ऐसा होता कई बार? बिल्कुल होता है सर। वो मतलब अच्छा, कितनी बार आपके साथ तो, अब मैं जैसे कभी कोई फंक्शन में हूँ या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी मतलब ऐसी पब्लिक प्लेस में लोग आते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं सर मार्केट तो ये हो जाएगा, मार्केट तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उनका हाँ सर सही, आपको क्या लगता है उनका सेम जो आपने बोला वही सही है? नहीं नहीं सर, इसमें ना मैं जो मेरे साथ कभी कभी होता है ना वो मतलब नॉर्मल से जो कभी कभी वाली बात है वो बताता हूँ। एक एडवाइस बताइए, फिर वो एडवाइस पूछने के लिए स्टोरी अपनी बता रहे हो तो मुझे कन्विंस कर रहे होते, तो मैं पूछा पूछ रहे थे या बता रहे थे? मतलब पहली चीज तो आप हमसे एडवाइस लेने आए हैं या मुझे कन्विंस करने आए हैं? तो ये तो ये वाली स्टोरी है ना, ये जेन्युइनली सर मुझे कई बार उनको देखते हैं कि प्रमोटर से ज्यादा वो इतने ज्यादा कन्विक्शन के साथ ऐसी स्टोरी बताते हैं, ये तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैं तो सर मतलब फिर कहता हूँ कि अगर इतना आसान होता तो ये भावना 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए नहीं होता और आप ही को नहीं पता होता ये सब कुछ है। लेकिन ये अभी भी सर ये लोग ना मतलब इतना बिलीव करते हैं और इतना फंसते हैं ना, क्योंकि सर उसमें पता क्या होता है कि जब वो 2-3 रुपए का होता है ना वो टेम्पटेशन ऑफ क्वांटिटी बढ़ती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कि अगर इतना भी बढ़ गया तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए बन जाएंगे, तो उस टेम्पटेशन में वो भी चले जाते हैं सर। वो वाला जो है ना लात मार के जो मटका गिराया था वैसा वाला लालच आ जाता आदमी की, इतने ये हो जाएंगे और वो हो जाएंगे। लोग आलोक इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़िया लगने लगता है वैसा हाल है। तो चलिए ये है आलोक इंडस्ट्री की रीलिस्टिंग जो आपके लिए नुकसान वाली है। नुकसान वाली तब है जब वो 3.25 रुपए में डीलिस्ट हुआ था, तब के पहले के लिए तो फिर तो आपके अलग ही कहानी है, फिर भगवान भला करे। चलिए और वहां कमाई हो ना हो एक जगह कमाई हो जाएगी और उसके लिए सुमित जी हमारे साथ है तैयार लाइन पर और वो देंगे आपको सैटेलाइट शेयर और उसके बाद कल के 2000। बताएं सुमित जी। अनिल जी स्टॉक का भाव भी चल रहा है 270। स्टॉक पिछले 5 से 6 दिनों में गिरावट दिखाया है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट। जिस तरह की स्टॉक में कैंडल बन रही है
स्टॉक ने हैमर बनाया है, हैमर के बाद आज ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा। चार्ट पे देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ेगा तो ग्रेफाइट के अंदर मूव तेजी का मूव हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ऊपर में 280 से लेके 290 रुपीज तक का स्तर ग्रेफाइट में देखने को मिल सकता है। यहाँ से मोमेंटम तेजी से बढ़ेगा, स्टॉक के अंदर 5 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 265 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को यहाँ पे बाय करें। परसों का जो हाई है जैसे ये टूटता है 275 का तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 280 से लेके 290 रुपए तक के लेवल ग्रेफाइट में देखने को मिल सकते हैं। तो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रही है, बाय कर लेना चाहिए ग्रेफाइट इंडिया, इस पर ध्यान रखिए। और कुछ खबरें भी आ रही थी कि शायद ये कुछ एसेट मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं डेट रिडक्शन के लिए, और साथ ही जो जनवरी में सेल्स हैं वो चैनल चेक्स बता रहे हैं कि वहाँ पर पिकअप भी हो रहा है, तो कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है ग्रेफाइट इंडिया में। ये है सुमित जी का सैटेलाइट। इस बीच कल के 2000 ये भी तैयार हैं, बिल्कुल बजाते हैं। सर आज का तो आपका परफेक्ट हिट रेशियो रहा है, इसी को मेंटेन करते हैं। हाँ, हिट से। हाँ, निफ्टी वाला भी ठीक गया। पौने तीन बजे जो हमने कहा और देखिए 12128 का हाई नया लगा दिया निफ्टी ने, तो वहां से 25 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। बैंक निफ्टी लगभग 50-60 पॉइंट बढ़ गया वहां से जी, 30,860-70 तक गया, तो डायरेक्शन तो सही तरफ ही है। तो फिर आप समझ गए, राय तो खरीदारी की है और आज तो हम बुलिश ही हैं, और बुलिश है हम सरकारी कंपनियों पर। एक और सरकारी कंपनी खरीदारी करने की राय और वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL 84.5। ये है स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी आज से लेकर, अगर आपका कल परसों में काम हो जाए तो ठीक, नहीं तो ट्रंप साहब आए तब तक चलो, 3-4-5 दिन के लिए एक ट्रेड है आपके लिए, मोमेंटम ट्रेड है, अच्छा मुनाफा दे सकता है क्योंकि जो ये डिफेंस पर फोकस रहेगा ट्रंप साहब के आने की वजह, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो BEL बड़ा सप्लायर है, ये नेचुरली सरकारी कंपनी है और जो कुछ भी अगर टाइप्स होते हैं और यहाँ मेक इन इंडिया पर यहाँ पर अगर जो भी फोकस होता है ट्रंप साहब के साथ करार का, बड़ा फायदा अगर सबसे ज्यादा मिलेगा तो डिफेंस में BEL को मिलने की पूरी संभावना है। तो नो ब्रेनर है स्टॉक, जिन लेवल्स पे खोने के लिए कम है, न्यूज फ्लो आपके सामने है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है। आज का लो है 82.10 रुपए का, वहीं स्टॉप लॉस लगाना है 82 का। ओके ठीक है, 87, 89, 92, 87, 89 और 92, ये तीन टारगेट रखकर BEL में कर सकते हैं आप खरीदारी। ये है आज कल के 2000। PSU स्टॉक्स आपको सुबह से ही पसंद आ रहे हैं? हाँ, PSU कल, वैसे कल भी आपने सर गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। सर ट्रंप साहब तक लेने जी, बिल्कुल 100% सर। मैं तो ना गलत नहीं, मैं तो विश कर रहा हूँ सर इसको 90+ कर दो सर, बेचना है बाद में आपके काम। बिल्कुल सर, आपके लिए 100 रुपए में आइडेंटिफाई किया था इसको बेचने के लिए और आपसे बात किया था और वन साइड नीचे 95-100 में तो मैं भी। हाँ, तो अब ये मैं तो सर अब वेट, वो ये ना टेम्पटेशन कंट्रोल करनी पड़ती है। आज आपने बोला ना कि हमारे लिए थोड़े स्टॉक ऊपर लाओ सर, मैं तो चाहता हूँ इस भाव में तो नहीं बेचेंगे? नहीं सर, इस भाव ठीक है। चलिए, यहाँ से एक रिकवरी एक तेजी का केस बनता है खरीदारी करने की राय। एक बार जरा मैं किरण जी को पूछ लूं क्या? किरण जी, चार्ट फार्ट देख लीजिए जरा, BEL के ठीक ठाक है ना? BEL के एक अच्छा बेस बिल्डिंग 80 रुपए पे हो चुका है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे अनिल जी, इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अभी इसमें दिक्कत एक ही है कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है 87-88 का, ये क्रॉस करना चाहिए। ये अगर क्रॉस करता है तो फिर 95 के भाव आ जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि आशु जी के रडार पे आ जाएगा। नहीं, आशु जी तो बोल रहे हैं 100 पे बेचेंगे। रिजल्ट इसके खराब आए थे, रिजल्ट खराब है, आने वाले क्वार्टर में भी कुछ नहीं है। बट ये जो अनिल जी ने रीजन बोला कि PSU फीवर इस वक्त और ये ट्रंप वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि ये सब कंपनीज तब एकदम मशरूम होके भाव आ जाते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, एक बार चलेगा बिल्कुल। हाँ किरण जी, कुछ कह रहे थे सर आप? नहीं, मैं दीपांशु को वही कह रहा था कि ये 95 पे जब आएगा तो आशु जी के सेल पे रडार पे आएगा। सेल आशु जी वैसा नहीं ना, ये लेवल के ऊपर निकला कर दूंगा, ये लेवल के ऊपर निकला बेचूंगा, उल्टा हिसाब है मतलब इनके हिसाब से सीधा है, अपने हिसाब से उल्टा है। ओके, तो चलिए, पिछली बार 100 से ही बेच दिया था, इस बार 100 का तक का इंतजार नहीं करेंगे, 95 है। तो तेजी करने वाले सारे लोगों से निवेदन है 92 रुपए का जो आखिरी टारगेट ऊपर का दिया है, अगर आ जाए तो भेज देना वहां से, फिर अगर मत लगाओ सर आएगा। हाँ, ऐसा अगर मत लगाओ आएगा, चिंता ना करें। ओके, लेकिन बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होने की तैयारी कर रहा है, 12100 के ऊपर जाने की कोशिश भी होती दिख रही है।
आशु जी, वैसे एक सवाल आपसे था कि आप मार्केट्स पे तो बोल ही रहे हैं कि ठीक है अपसाइड आएगा तो बेच देंगे, बट जो मार्केट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, जो AMCs हैं, उनके साथ क्या करेंगे? आज निपॉन लाइफ ने भी रिकॉर्ड हाई बनाया, 435, 8% की तेजी आ रही है। HDFC AMC में लगभग 4-4.5% की तेजी आ रही है। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन इन स्टॉक्स की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव मार्केट एक्शन का भी इसमें रोल है, इनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और जब भी आपने देखा किसी मार्केट के चलते अगर कोई डिप आता है तो इनमें रिवर्सल सबसे पहले आता है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और जिस तरह का जो इस वक्त चल रहा है कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ रुझान बढ़ रहा है, पब्लिक में अभी अनिल जी से मैं बात कर रहा था सिप की, तो आई थिंक दे आर डायरेक्ट बेनिफिशरीज, बट एंड ऑफ द डे कहीं दीपांशु वैल्यूएशंस वाली भी चीज़ है। तो एक वैल्यूएशन के बाद हमने इंटरनली में जेएम में हमारी रिपोर्ट भी आई थी कि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो है प्राइस्ड इन है एक लेवल पे। तो इसलिए बियॉन्ड अ पॉइंट इन पे अगर मैं नया निवेश करूंगा तो मुझे अभी कंफर्ट नहीं है, अनलेस वी गेट सम मीनिंगफुल डिप्स तब इनमें बाय करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी AMCs हो, मतलब एक AMC में इवन इंक्लूडिंग HDFC की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब तक वो डिप नहीं मिलता ना, तो इन वैल्यूएशंस पे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन क्या ऐसे में आज अभी इसका सीधा एग्जाम्पल मैं HDFC बैंक हम 2 महीने हो गए, हम 3 महीने बात करते हैं, देखना है कि इस साल रिटर्न आता है कि नहीं आता। अच्छा बुरा अलग बात है कि किस इस के पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे मैं लेता हूं तो मुझे अगले 1-1.5 साल तक कुछ रिटर्न आता है कि नहीं आता, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो थोड़ी ओवर प्राइस लग रही है और इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से भी इस समय एक्सपेंसिव है। एक मुश्किल सवाल पूछूं सर आपको, यस बैंक 35 रुपए में लेना है कि बेचना है? नहीं सर, अब तो बिल्कुल नहीं, वो तो सर 40 रुपए से नीचे बिल्कुल, मैंने भी ट्वीट कर दिया था कि अब तो मतलब मच लोअर लेवल्स आर कमिंग, मच लोअर, अब कुछ भी नहीं है, लेना तो बिल्कुल नहीं है, लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना सर। ठीक है, तो UBS का जो 20 रुपए का टारगेट था इसलिए मैंने कहा एक बार व्यू तो पूछ लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना सर, बिल्कुल। और जिसके पास डिलीवरी पड़ी हो वो तो सर अब कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है सर, ये जो सवाल आपने पूछा ना, एक दिन कुणाल जी से भी डिस्कशन हो रही थी, और मैं ये बहुत ज़्यादा चीज़ क्लाइंट से भी डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं सर, येस बैंक, जैन इरीगेशन, या मतलब बहुत सारे इस तरह के स्टॉक हैं जो लोगों ने ना सर काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 70-80 रुपये 100 रुपये के ले रखे हैं, जो वो 20-25 रुपये पे अनिल जी वो जब राय लेते हैं ना, तो मैं साफ कहता हूँ कि मैं इस पर राय दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने कहा होल्ड कर लो तो वो लाख शेयर अगर होते हैं किसी के 50,000, तो वो 25 वाला 20 ही होगा या 20 वाला 15 ही होगा, और अगर कहा कि इसको तो 20 में भी बेच दो तो 25 होगा ना, तो उसको इतनी तकलीफ होगी, हो सकता है वो डबल वापस ले ले। तो ये जो एडवाइस इतने लॉस के बाद बड़ी क्वांटिटी में छोटे शेयर में है ना, तो ऑनेस्टली अनिल जी कोई भी नहीं दे सकता। ये तो सही टाइम पे अगर किसी की उस वक्त आ जाए कि जब इतना बोलते हैं कि निकल जाए या इसमें रहना नहीं है, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज खो देता है ना सर, वो लास्ट मूवर जब आता है ना, बहुत मुश्किल है जी, एडवाइस देना ही बहुत मुश्किल, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। स्वयं अपना दिमाग लगाएं, जो आपको ठीक लगे वो करें, ठीक है, ये कह सकते हैं हम, तो और क्या है। ठीक है, 35 रुपये ये है येस बैंक का आज का भाव, निचले स्तर से अच्छी शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही, बैन में है इसके साथ NCCB दोनों ही स्टॉक, लेकिन आज की थीम है 100% मुनाफा। ऐसी बेहतरीन कंपनियां जिन्होंने पिछली तिमाही में दिखाया है मुनाफे में 100% का जंप, और आगे भी ताकत रखती है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, 100% हर तिमाही में ना दिखाए लेकिन रहेगी परफॉर्मेंस दमदार। मानसी है हमारे साथ इस वक्त तैयार बताने के लिए अगला स्टॉक इसी कड़ी में। बताए मानसी जी। शुक्रिया अनिल जी, इसी कड़ी में अगला स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट, और सबसे पहले इनके नतीजों से ही शुरुआत करना चाहूंगी। रियल एस्टेट सेक्टर में शानदार नतीजे प्रेस्टीज एस्टेट के आते हुए दिखे, इनकी बिक्री में करीब 154% की बढ़त हमने देखी तीसरी तिमाही में, मार्जिन्स भले ही यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर देखिए 175% तक का जंप इस स्टॉक ने देखा है, 59 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 161 करोड़ पर जाता दिखा, तो शानदार नतीजे हैं। इसके अलावा काफी सारी खबरें रही पिछले दिनों जिसकी वजह से स्टॉक में काफी मूवमेंट देखने को मिला, पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला, और अब आने वाले दिनों की जो गाइडेंस है वो भी इतनी पॉजिटिव दिख रही है कि इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही साबित होती हुई दिखेगी। आने वाले दिनों में कंपनी के 6 नए मॉल बनाने की योजना है। प्रेस्टीज फाल्कन ने लोखंडवाला DB रियल्टी में 50% हिस्सेदारी खरीदी, इनकी सब्सिडियरी है जिनकी हिस्सेदारी खरीद की खबर के बाद ही प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में एक शानदार बढ़त का ट्रेंड हमने देखा था। कंपनी के QIP को शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है, GIC के 434 करोड़ के निवेश
निवेश से कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा कमर्शियल, रिटेल और रेजिडेंशियल कारोबार में कंपनी ने पिछले दिनों अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आने वाले दिनों के लिए भी कंपनी के गोल्स जो है काफी बड़े और काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। FY20 के फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, 2000 करोड़ की बिक्री कंपनी ने हासिल किया। रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर हम ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती हुई देख रहे हैं, ऐसे में इतनी शानदार बिक्री हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। और FY20 में 5000 करोड़ की गाइडेंस भी कंपनी देखकर चल रही है। इनके मुनाफे का ट्रेंड अगर हम दिखाएं, बढ़ते क्रम में इनका मुनाफा हम देख रहे हैं और क्लियरली हम देख रहे हैं कि 2015 से लेकर 2019 तक कंपनी के मुनाफे ने काफी हद तक अच्छा ट्रेंड देखा है और इसी वजह से प्रेस्टीज एस्टेट इस कड़ी में हमारी तरफ से अगला शेयर। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट शानदार मुनाफा दिखाया और आगे दिखाएगा भी। स्टॉक है मजबूत और आप देख सकते हैं दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ 365 पर यह स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार तेजी आज फिर से होती हुई दिख रही है। शुक्रिया मानसी। प्रेस्टीज के चार्ट्स किरण जी। मूव दिलाता नजर आ रहा है जिस तरीके से प्रेस्टीज ने एक अपमूव पहले ही दिया था, मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होता नजर आ जाना चाहिए। और अभी के लिए जो कंसोलिडेशन का हायर एंड है वो 383-390 के लेवल्स है, वो नेक्स्ट टारगेट के लेवल्स मान के चलने चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 356 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 356 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं प्रेस्टीज स्टेट्स। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। ओके, बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। इस बीच वोल्टास के टारगेट्स आ गए। सुबह दिया था राकेश जी ने, दिया था कुणाल जी, राकेश जी ने सुबह दिया था, आई थिंक मार्केट खुलने के बाद दिया था। उनका पहला चार्ट कॉर्नर और फिर दूसरा, जब दूसरा चार्ट कॉर्नर आया था वोल्टास था 735 का टारगेट, 710 चार्ट कॉर्नर है इनका। तो एक बार बिगुल बजा देते हैं, चार्ट कॉर्नर भी ले लेते हैं और चार्ट कॉर्नर के बाद आपको है ना जो वोल्टास पे बोलना वो भी बोल देना और उसके बाद मेरा फेवरेट एक लिंक आ रहा है, मेरा फेवरेट है। अच्छा, हाँ मेरे पसंद का है जो कुशल बताएंगे आपको, खाने पीने से रिलेटेड है। इंटरेस्टेड है जानने में? पहले बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है वोल्टास पर ही, जिस पर सुबह हमने चार्ट कॉर्नर दिया था। अब ये स्टॉक खुले नीले अनिल जी आकाश में आ गया है और जैसे कई बार बागली जी बोलते हैं कि सुबह सुबह कल सुबह सुबह 15-20 रुपए दे सकता है, तो अनिल जी वोल्टास का जो पैटर्न है अभी नहीं तो अनिल जी कल मॉर्निंग में एक अच्छे खासे एक ओपनिंग में पैसे देने का दमखम रखता है, तो वोल्टास खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज हमारे दोनों लक्ष्य वोल्टास में हासिल हुए और उसके बाद दोबारा कॉल हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली चार्ट पर कुछ बहुत ऐसा असाधारण दिख रहा है कि इसको दोबारा हम लोग कॉल पर दे रहे हैं, तो फिर से बाय करना चाहिए वोल्टास। अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, निकल गए हैं, तो वापस बाय करें क्योंकि बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर बाय करके चले, यहां पर 722 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 755 रुपए का और दूसरा टारगेट 765 रुपए का होगा, वोल्टास मिस नहीं करना। वैसे वागले जी ने भी इस पर टारगेट दिए थे और 735 के टारगेट थे, तो वागले जी के भी टारगेट सर इस पर अचीव हो चुके हैं। अनिल जी एक बात बताइए मुझे, कुणाल जी से पूछना है, आप भी काफी नोटिस करते हैं, ये जब ऊपर जाता है कोई चीज तो कहते हैं खुले नीले आकाश में, तो इसका रिवर्स में क्या बोलूं कि गहरे काले पाताल में चला गया है? यही बनाया है क्या? तो ये अच्छा, फिर गहरे काले पाताल, गहरा काला पाताल। अच्छा ओके, कुणाल जी यही डिसाइड हुआ था ना? अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो जुमला है अनिल जी कि खुला नीला आकाश, इसका पूरा क्रेडिट अनिल जी को है, इसका आविष्कार किया ये आविष्कार किया ये रोज ब्लू स्काई जोन, ब्लू स्काई जोन मैंने हिंदी कर दी। ओके ओके ओके, खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन, ब्लू स्काई जोन समझता नहीं इसका जो नेगेटिव। और अनिल जी इसका इनवर्स भी आप ही ने इन्वेंट किया है, तो दोनों के लिए जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी। ठीक है, ये ठीक है सर, परफेक्ट है, इंप्रूव करना तो हम नहीं परफेक्ट, हम इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा ओपन सर। मैं तो सिर्फ वो कंकरेंस ले रहा था कि यही यूज करना है ना, गहरे काले पाताल में। हालांकि आजकल उसके दिन ज्यादा आ नहीं रहे सर बोलने के, लेकिन ठीक है, ये है आपके लिए वोल्टास में खरीदारी करने की राय। जबरदस्त तेजी होती दिख रही है, गजब के टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। वाह, वोल्टास हाँ मेरी पसंद का, आपकी पसंद का है, खाने पीने की चीजों का है, एक बहुत बढ़िया कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अब वो कितनी प्राइसिंग कैसी रहेगी, रिपोर्ट्स कैसी है, कंपनी कैसी है, कितनी रकम जुटाएगी, ये ढेर सारे सवाल हैं आपके। आपको क्या पसंद है सर खाने में? सर सब कुछ ही है, मैं फूडी,
मतलब बॉम्बे के स्ट्रीट फूड से लेके नॉन वेजिटेरियन मैं दिल्ली आता हूँ, मुझे दिल्ली में एक चीज बड़ी पसंद आती है, बारबेक्यू। वहाँ का बड़ा बढ़िया होता है। पर सर आप तो वेजिटेरियन है। हाँ तो वेजिटेरियन में क्या होता है सर? पनीर, आलू, पनीर ही तो होता है सर। कॉर्न, क्या बात कर रहे हो? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या बात कर रहे हो सर? गजब कर दिया दो। दिल्ली में जो बारबेक्यू टिक्काज है ना वो डेफिनेटली, मैं भी जब बॉम्बे कुछ महीने से आया हूँ, जो सम्चुअसनेस जो टिक्काज में है ना दिल्ली में, वो सर बॉम्बे में नहीं है। मतलब बॉम्बे में बारबेक्यू कॉन्सेप्ट ही नहीं है वैसे, मैंने देखा। वड़ा पाव क्यों है? मतलब वो बारबेक्यू का मजा दिल्ली में बिल्कुल। दिल्ली वाले कुछ कह रहे हैं इसमें स्पेशल कमेंट्स। जी सर, देखिए अनिल जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए आप, बारबेक्यू की। देखिए पनीर, मशरूम, आलू तो आपने बताया अनिल जी। राकेश कुणाल, अनिल जी चाट, अनिल जी साथ बैठ के खाने को मिलती है अनिल जी। ये बात तो सही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें किरण जी वैसे गुस्सा ना मान जाए, हम बोल रहे हैं कि बॉम्बे का खाना अच्छा नहीं। मैंने पुणे का तो बढ़िया है, बस खिलाते रहो आप। जी सर, जी कुणाल जी। अनिल जी ऐसा लग रहा है दिल्ली कुछ ज्यादा ही याद आ रहा है आप लोगों को, आपको भी आशु जी को, तो दोनों वापस आ जाइए अनिल जी। सैटरडे इस शनिवार, बस आपने अभी बोला इस शनिवार हाजिर है, शनिवार को दिल्ली में। लेकिन हाँ, इस बीच बारबेक्यू नेशन ये है वो कंपनी जो आईपीओ ला रही है, जिसके रेस्टोरेंट्स का नाम आपने सुना ही होगा। तो कुशल बताइए सर, मॉडल भी बहुत अच्छा है उसका। अच्छा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले आप पहले कुशल, जितना आपको पता उतना तो बताओ। जी बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये फुटेज यही तो देखना चाहता था। अरे भाई वेज वाले दिखाना फुटेज, अब फुटेज वाले को क्या पता वेज है कि नॉन वेज है। सर बारबेक्यू जाना ही उसके लिए जाता है सर, वो तो एडिशनल है वेज तो। अच्छा ठीक है, यही देखने पड़ेंगे। चलिए कुशल बताइए। तो यहाँ पर इनका जो आईपीओ आने वाला है ये 1,000 से 1,250 करोड़ रुपए का हो सकता है, और सूत्रों के हवाले से यही खबरें हैं कि फ्रेश इशू जो होगा इसमें 275 करोड़ रुपए का होगा, और बाकी जो अमाउंट है वो ओएफएस के जरिए किया जाएगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो 2017 में भी इन्होंने आईपीओ जो है, जो पेपर है आईपीओ के, वो फाइल किए थे, पर मार्केट कंडीशंस की वजह से वो उसको बाजार में नहीं उतार पाए थे। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूँ तो सयाजी होटल जो है वो प्रमोटर ग्रुप में शामिल है, और टोटल होल्डिंग प्रमोटर्स के करीब 60% है। वहीं अगर अन्य निवेशकों को देखें तो वहां पे एक सीएक्स पार्टनर्स बोल के पी निवेशक है जिसकी 33% हिस्सेदारी है, और एल्केमी कैपिटल, ये राकेश झुंझुनवाला जो बिग बुल हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसकी 2% हिस्सेदारी इसमें भी है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो रकम है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो उन्होंने ये खबर दी है कि 205 करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाने में इसका इस्तेमाल होगा, और बाकी जो बचे हुए फंड होंगे उसको जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कारोबार की बात करें तो आशु जी आपको और बताएंगे इसके बारे में, पर अभी जो मेरे पास डिटेल्स है इसमें, ये बेंगलुरु बेस्ड कैजुअल डाइनिंग फूड चेन है, और यहां पर भारत में कुल 24 राज्यों में इनके 138 आउटलेट्स है, और आउटसाइड इंडिया भी 7 आउटलेट्स हैं इनके, जिसमें देशों की बात करूं तो ओमान, यूएई और मलेशिया जैसे जो कंट्रीज हैं वो शामिल है। वित्तीय हालत अगर आप देखें तो FY 17 से 19 यानी पिछले 3 सालों में सालाना आय इनकी 22% तक बढ़ी है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है इनके लिए। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर बात करें, जो आउटलेट्स की इनकी सेल्स है वो उसमें भी ग्रोथ 5% की रही है। आईपीओ एलोकेशन की बात करें तो वहां पर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनकी 50% ये आईपीओ जो है इनको जाएगा, और उसमें रिटेल निवेशक का जो हिस्सा होगा वो 35% होगा। ओके 15% नीचे नहीं, ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज, अगर ये जनरली आमतौर पर जब कंपनी आईपीओ लाती है तो वो प्लांट विजिट के लिए ले जाती है रिसर्च एनालिस्ट को, रिपोर्टर्स को, ठीक है कुशल आपको ले जाएंगे, आप जाएंगे इसमें तो जाऊंगा इसमें तो रेस्टोरेंट विजिट भी ले जाएगी और क्या करेंगे भाई, हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सर। एंकर के साथ एनालिस्ट भी तो जाएगा कोई एंकर अंदर कौन ले जाता सर, रिपोर्टर हमें भी लेके जाएगा, रिपोर्टर से एनालिस्ट का ही नंबर लगता है, मेरा कभी नहीं लगा आज तक नंबर। बताए सर प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में। नहीं नहीं प्रोडक्ट्स नहीं सर, मैं इनके मॉडल के बारे में कहीं स्टडी कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो जो इन्होंने डिलाइट, आई मीन यूजर डिलाइट लाया ना टेबल पे, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, एक तो वो इनका बहुत हिट। क्या चीज है वो?
मतलब वो जो आपका जो हीटिंग यूनिट है वो आपके टेबल, टेबल पे बारबेक्यू होता है, मतलब आप बारबेक्यू तंदूर से नहीं आता, वो तंदूर से तो आता ही है, आप ही हिलाते रहो और वो बनाते रहो, मतलब वो हिलाते रहो, इतना वो वार्म सा होता है कि मतलब आपको फीलिंग भी आती है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही कर रहे हो ऐसा, घर वाली फीलिंग भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो वो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए, प्लस इफ यू कंपेयर टू अदर बारबेक्यूज ना, तो इन्होंने थोड़ा सा प्राइस उसका रीजनेबल रखा हुआ है। तीसरा जो इनका मॉडल है, जो मैंने स्टडी किया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, बिकॉज इस पे ना कस्टमर चल के जाता है, अच्छा। तो इनको ये नहीं होता कि हमें फुटफॉल के लिए बहुत प्राइम लोकेशन चाहिए, तो आप जितने भी बारबेक्यूज नेशन देखेंगे ना, ऐसा नहीं होगा वो किसी मॉल के फोर्थ फ्लोर पे होगा, या बैंड्रा वाला भी देखेंगे कहीं अलग से होगा, इनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो जो लेन है, मतलब जो पॉपुलर लेन है, कार्टर लेन, कार्टर रोड, या कहीं पे भी दिल्ली में भी, कि मुझे प्राइम लोकेशन पे चाहिए, तो इन्होंने अपने रेंट कंट्रोल में रखा हुआ है। प्लस जो इनका मॉडल है उसमें ये दो या तीन बार ना पूरा सीटिंग घुमाते हैं, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7, वो बुकिंग देते हैं, तो आपको दो या तीन बार, तो इनका जो इन्होंने ये सिस्टम बना लिया ना, इट इज अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द गुड आईपीओज, इट शुड बी वन ऑफ द गुड, प्राइसिंग ठीक हो, मतलब अगर प्राइसिंग ठीक हो तो ये मॉडल इन्होंने बिल्कुल क्रैक कर लिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जितना जितनी भीड़ है, जितनी वेटिंग है, उतना सब रेस्टोरेंट में ना रोटेशन भी बहुत है, वो एक साल दो साल के लिए हिट होता है, मशरूम होता है, बड़ा फेवरेट बनता है, फिर वो चेंज हो जाता है सडनली, बट दे हैव कंसिस्टेंटली प्रूव्ड। ठीक बात, चलो बढ़िया। तो अब कुणाल जी, राकेश जी को बताया कि सैटरडे को मुझे इन्हें दिन खाना पिलाना है, कहाँ लेके जाना है, आपने बता दिया दिल्ली में बहुत सारे हैं, ओके। तो बारबेक्यू नेशन इसका आईपीओ आने वाला है, अच्छे अच्छे आईपीओ की बाहर आ रही है, फिर से एसबीआई कार्ड्स भी मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएगा, तो ऐसे तैयार रखिए आप तो बढ़िया बढ़िया चीज़ों के लिए, ओके। शुक्रिया कुशल, ये और 3:20 होने वाले हैं, 3:20 होने वाले सर, मैं वही बस बताने वाला था आपको, कर लो एक कॉल, हाँ कर सकते हैं चाहे, कोई दिक्कत नहीं, डन, 3:20 की स्ट्रेटजी कर लीजिए, 3:20 की स्ट्रेटजी सर के लिए बिल्कुल। सर तेजी तो इस समय बरकरार है, ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही हैं, और हमने देखा है, देखिए अब डाउ फ्यूचर्स लगभग उन्हीं लेवल्स पर हैं जब हमने लास्ट आपसे स्ट्रैटेजी ली थी, तो 65-70 अंक की बढ़त के साथ ही डाउ फ्यूचर्स है, नैसडैक फ्यूचर्स भी उतना ही दिखा रहा है, बाकी भी ग्लोबल मार्केट्स आज पॉजिटिव ही रही हैं। हमारे मार्केट्स में आज सबसे ज़्यादा एक्शन, जो सबसे ज़्यादा गिरावट कल देखने को मिल रही थी और फिर रिवर्सल आया, उस हिसाब से आज देखिए तो 450 अंक इस समय सेंसेक्स पर भी है, और बैंक निफ्टी भी 250 अंक के ऊपर ही है, तो जैसा आपने कहा था 245 को लगभग वैसा ही देख रहा है मार्केट, और अब डेज हाई पर है। वैसे देखो 25-30 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल रहे हैं, आपको संतोष है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में भी 50-75 पॉइंट मिले, अगर वो संतोष है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अभी भी आपके दाम से तो ऊपर ही है। मेरी सलाह ये होगी कि चूंकि जिन लेवल्स पे बंद हो रहा है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग है दीप, 12,125 के आसपास बंद हो रहा है, ये पिछले 3-4 दिनों का हाई 12,113 का क्लोजिंग है, लगभग उसके पास बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिनों का क्लोजिंग हाई 30,835 का है, एग्जैक्टली आप देखो वहीं पे बंद होता हो दिखा, तो ये मेक और ब्रेक टाइप वाला लेवल है। मेक और ब्रेक से मतलब ये कि कल आपकी तेजी बनेगी तो इस बात पर बनेगी कि ग्लोबल मजबूत रहना चाहिए, और ग्लोबल मजबूत नहीं हुआ तो यहाँ से रिवर्सल के लिए भी थोड़ी सी जगह है, लेकिन चूंकि कल आपके पास एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा अगर आप रुझान मुझे पूछेंगे ना तो 60-40 है, 60% तेजी की तरफ है, 40% न्यूट्रल से थोड़ा नीचे की तरफ, एकदम मैं ये बोलूँ बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स खरीद के जाओ, कल 50-75 ऊपर मिल जाएगा, वैसा नहीं दिख रहा, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, निफ्टी में 12,150 का कॉल ऑप्शन ले ले, ओके 12,150 का कॉल, 12,150 ये आप किरण जी आप रेट वेट निकाल के तैयार रखना, 12,150 का कॉल ऑप्शन आप ले लें, और 30,800 का बैंक निफ्टी का जो मैं कॉल ऑप्शन बोल रहा हूँ वो इन द मनी बोल रहा हूँ, ओके इसका आउट ऑफ द मनी ले रहे, क्योंकि इसमें 30,900 का लेने में जगह मजा नहीं आएगा, तो 30,800 का आप कॉल ऑप्शन ले लें बैंक निफ्टी का, और 12,150 का कॉल ऑप्शन ले लें निफ्टी का। बताइए क्या भाव चल रहा है सर? 25 रुपए 12,150। अरे आप, मैं तो भूल गया, आप भी यहाँ बैठे, 12,150 का 25 रुपए 25 रुपए, और 30,800 वाला सर बैंक, पर अनिल जी मुझे लगता है कि इस 12,150 का लेना है तो 12,200 का 10 रुपए में बेच भी देना चाहिए। हाँ साथ में बेच दो बोलिए अनिल जी, कल बिल्कुल जीरो हो जाना है ना, क्योंकि अगर ऊपर खुलेगा तो साथ में वो ये, भी तो ये बड़ा फायदा साथ में अच्छे लोगों को बिठाने का, ये जरूर कर लिया कर, थोड़ा सा ऊपर का जरूर भेज, ये थोड़ी आदत डालूंगा, धीरे धीरे डालूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊंच नीच होता है 10 का तो एकदम जीरो हो जाएगा, करेक्ट, 25 का भाव 15 भी रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस वहां से निकल आता है वो, सही जवाब। तो चलिए आशीष जी के नाम पर 12,200 का 10 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए में बेच दीजिए, 12,150 का है सर, 145 इन द मनी वाले ले रहे हैं हम, 145 का ले लिए, 31,000 का भेज दीजिए, बिल्कुल 66 रुपए में भेज दीजिए सर, बिल्कुल इस बार तो देखो कितना जल्दी एकदम से आपने कर दिया
सर आप ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेगा नहीं सर, मैं आपको बता दूं आप नहीं नहीं मैं सर अभी आज तो ना मैं बैठा हुआ इसलिए कभी कभी आप बिल्कुल प्लेन वनीला दे रहे होते हैं ना तो मैं मतलब वो जी बिजनेस में देखता हूँ टेंट हो जाता हूँ कि सर आपको फोन करके कौन सा कुछ तो बिकवा दो नीचे का ये क्या कर रहे हो कुछ तो बेचो मैं समझ गया आपकी भावनाओं को ओके तो 31,30,800 का 145 और 65 मान लो तो 65 गए तो यानी कि ये 80 रुपए में पड़ गया बिल्कुल और 30,860 चल रहा है सर मतलब 835 कैश है फ्यूचर से देखें तो वही भाव चल रहा है और वर्चुअली आपने फ्यूचर ले लिया सर डन ठीक है तो चलिए ये है राय आपके लिए किरण जी माफी चाहते हो पुणे तक आने की जरूरत नहीं पड़ी काम मुंबई में हो गया इधर तो नहीं तो किरण जी भी लेवल निकाल के बैठे होंगे ठीक है तो ये है आपके लिए 3-20 की स्ट्रेटेजी सर पर किरण जी सिर्फ भाव देते हैं आपको बेचने के लिए नहीं बोलते बात तो सही है कुछ तो फायदा हुआ है बॉम्बे रहने का ठीक बात है ओके तो ये है आपके लिए इस बीच बैंक से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी बिल्कुल आशीष जल्दी आने का फायदा देखा आपने बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल वजह आज दो दिन के बाद आपने तो जितना जल्दी आएंगे बिल्कुल वैसे हमने छोटा करवाया था 3:15 बजे आएंगे तो थोड़ा बड़ा 3 बजे और भी बड़ा ऐसा है तीन स्टॉक्स हैं अनिल जी आज तीन तीन स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करना होगा ओहो एक तो पहला यस बैंक है तो सदाबहार है इसमें करीब 104% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो ये तो बिल्कुल बैन में बना रहेगा ठीक है दूसरा स्टॉक है एनसीसी जिसकी पोजीशन कल 86% थी अभी घटकर 83% आ गई यानी यहां पर थोड़ी सी संभावना है कि हो सकता है कि आज ये बैन से बाहर बॉर्डर पे है लेकिन इंटरेस्टिंगली केनरा बैंक ऐसा स्टॉक है जिसकी अभी फिलहाल पोजीशन अगर आप देखें तो 91% आ गई है 4% और बढ़ती है तो हो सकता है ये बैन में आ जाएगा पॉसिबल एंट्रेंट है ये केनरा बैंक केनरा बैंक क्यों बैन में जा रहा है आशीष जी तो आपका शिकार है तो है सर आप देखो रिकवरी में केनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको तो 200 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो जाए बजट से 400 पॉइंट हो जाए कहते हैं हमें क्या लेना देना तो बैन में शॉर्ट की वजह से जाएगा जाएगा तो सर अच्छा एक बात बताओ सर 195 से 174 रुपए लॉन्ग वाला फंसा या शॉर्ट वाला सिंपल बताओ सर लॉन्ग वाले ही फंसा है मतलब 176 वाले को भी एग्जिट नहीं मिल रहा सर 190 का तो छोड़ो सही जवाब 176 वाला भी कोशिश कर रहा है सर कुछ तो करवा दो किसी तरह से तो चलिए केनरा बैंक थोड़ा और जोर लगाओ अगर बैन में ले जाना है तो फिलहाल 91% आज बॉर्डर पे है एनसीसी बाहर निकलने के लिए बॉर्डर पे है केनरा बैंक अंदर घुसने के लिए शुक्रिया आशीष तो यस बैंक बना रहेगा जस का तस यस बैंक ठीक है यस बैंक बना रहेगा पर कंपनी देने के लिए शायद केनरा बैंक एक स्टॉक पे मैं वागले साहब से सवाल लेना चाहता हूँ वागले साहब ये बजाज फाइनेंस का मन नहीं हो रहा आपका खरीदने का जनरली आप 3:15-3:30 बजे के रेंज में ना ये लेने की इच्छा रखते हो तो वागले साहब मुझे बताएं उससे पहले अच्छा वागले साहब ही क्यों ये तो पुणे का स्टॉक है ये सवाल तो किरण जी के लिए भी बनता है किरण जी बताओ अनिल जी आज ना इसमें वॉल्यूम्स थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं यही एक कारण है कि इसमें मैंने दिया नहीं और वैसे भी ये स्टॉक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बैठ नहीं रहा है अभी के लिए तो इसलिए ये दो कारण है कि अभी मैंने बाय करने की सलाह नहीं दी ओके बजाज फाइनेंस वैसे काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बजाज फाइनेंस आप देखिए लगभग 2.5% ऊपर है इस समय ट्रेड में IRCTC सर रोज हम इसके बारे में बात करते हैं और रोज ये नए शिखर छूता है आज देखिए 14% इस समय ऊपर है इस पर तो आपका बुलिश भी होगा आईसीआई ये स्टॉक बिल्कुल बिल्कुल और मतलब 1400 से लगता था कि 150-200 रुपए बढ़ जाएगा बट जिस तरह से बढ़ रहा है ऐसा बुलिश भी तो मतलब धमाल कर रहा है मतलब अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टॉक्स देखो दीपांशु वो तो ऐसे मतलब निकल रहे हैं ना कि पूछो मत मतलब दे आर सरप्राइजिंगली आप एंटर करेंगे अनिल जी एक सवाल आपसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है मैं जवाब ही नहीं दूंगा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप इसको एस्केप नहीं कर सकते बताइए सर आप कोल इंडिया में इतने बुलिश क्यों है डिविडेंड इतने बुलिश उसकी वजह से जबरदस्त बुलिश नहीं मैं बहुत बुलिश हाँ मैंने सुना सुबह इसलिए सर मैंने इसे बहुत लोगों के ब्याह देखो मैं आपको दो चीज बताता हूँ अगर आपने बोल ही जाए तो सुन लो अभी आप दो चीजें होंगी कोल इंडिया में बड़ी एक तो इनकी चार सब्सिडरी है उन चार सब्सिडरी में फॉरेन फंड हिस्सेदारी खरीदने की इसमें चल रहा है मामला तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल है वहाँ से हमें सोर्सेज ने बताया जो आज सुबह आशीष ने हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी की तो जो ये चार सब्सिडरी है 2200-2300 करोड़ का प्रीटैक्स प्रॉफिट करती है और उसकी 20-22,000 करोड़ की वैल्यूएशन आई है तो जो पेंशन फंड होते हैं ना आपके कैलिफोर्निया पेंशन फंड जेसी वाले ये सभी लॉन्ग टर्म वाले उनके 6-9% के यील्ड से सेटिस्फाइड है उनका बड़ा इंटरेस्ट है पॉइंट नंबर वन तो और ये पैसा जो आएगा कोल इंडिया में जाएगा पर शेयर 20-25 रुपये डिविडेंड बनता है
अब आपके मेरे लिए डिविडेंड मतलब मेरे तो हार्डली कुछ आता है, आपके बहुत सारा आता होगा तो आपके मैं तो मेरा स्टॉक ही नहीं, मैं तो बता चुका ओके सर मैं अगर अच्छा बच गया नहीं तो सिर्फ इतने सालों में डिविडेंड ही रह जाता, स्टॉक प्राइस उड़ गई सबकी। तो डिविडेंड आपके मेरे लिए हाईएस्ट स्लैब में आया है 1 अप्रैल से, एफआईएस के लिए तो टैक्स फ्री है ना, तो उनको तो ये शेयर पसंद आएंगे जिनमें डिविडेंड बढ़ाने वाला है, तो 20-25 रुपए तो वो डिविडेंड है। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, कोल इंडिया में मार्च के पहले पहले आप 18-20 रुपए का डिविडेंड एक और देखेंगे जो इस साल का आना है। तो आपके कहने का मतलब है 40-45 रुपए का डिविडेंड आ सकता है? हाँ, 40-45 रुपए का डिविडेंड मतलब 20% का डिविडेंड हो जाता है सर। और दूसरी चीज़ एक और क्या है, 40 रुपए इसकी कैश ईपीएस है और 20 रुपए सब्सिडी की कैश ईपीएस मिला के 60 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस होती है, और वैसे ईपीएस 24-25 रुपए के आसपास की है, तो 60 रुपए कैश है उसमें से अगर 40-45 रुपए दे दे तो क्या बड़ी बात है, इतना डिविडेंड तो आ ही सकता है और डिविडेंड आएगा ये बात पक्की है। तो ये गेम पूरा डिविडेंड का है। ओके हाँ, और डिविडेंड है तो अब और लाइफ टाइम लो पे आप ले रहे हो तो रिस्क खोने के लिए कम है आने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन ये है मेरी अब से लेकर अप्रैल तक बस ये है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जम नहीं रही तो बोलो। मैं सर मैं ना थोड़ा 5-7 मिनट का और ज्ञान दे सकता हूँ इस पे। नहीं नहीं एक्चुअली क्या सर, मैं ना ये डिविडेंड वाली बात से तो काफी हद तक अग्री करता हूँ, बट मैं कोई भी कंपनी सर फैमिली सिल्वर बेचती है या कोई चीज, जैसे पहले लैंड बैंक की स्टोरी बहुत चलती थी, इसके बाद लैंड है, अनिल जी हम किसी कंपनी में लगाते हैं ना कि उसके लैंड बैंक के लिए, ना उसकी सब्सिडरी के, ना उसके अपने कोर धंधे के लिए, कोर बिजनेस के लिए। और हमने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने पास्ट रिकॉर्ड जिन कंपनीज में भी ऐसा देखा जो डिविडेंड या जो लैंड बैंक वाली स्टोरी थी सब ऑंधे मुंह आके। इसमें मैं एक करेक्शन करूं, 30 रुपए आपको कैश ईपीएस, 30 रुपए कैश इन हैंड बोल रहा हूँ, नॉट कैश ईपीएस, कैश इन हैंड। हाँ वो मैं गलत बोल गया। तो इसलिए अगर आप इतना बड़ा डिविडेंड बोल रहे हैं और क्योंकि भाव इस वक्त 175 रुपए है तो इट मेक सेंस कि आई थिंक इट इज अ डिफेंसिव। इसका प्रॉब्लम एक ही है, क्यों 175-170 रुपए भाव है, लेकिन इसने हर भाव पे धोखा दिया। इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये धोखा ये नहीं दे रही है कोल इंडिया, बिल्कुल नहीं दे रही, सरकार दे रही है। हर भाव पे अगर आप खड़े रहोगे कि मैं ऑफर फॉर सेल करूंगा, ऑफर फॉर सेल करूंगा, तो यही होगा। बढ़िया तरीका क्या है, आपने 4 सब्सिडरी बेच दी 20-22-25 हज़ार करोड़ में जो कि कम प्रॉफिटेबल है, इससे बड़ी जो सब्सिडरी 5-6 और बची हुई रहेगी उनमें ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो आप ढंग से बेचो ना, ढंग से बेचोगे तो पैसा बनेगा। तो ये प्रॉब्लम कोल इंडिया की नहीं है, आई एग्री 100%। अच्छा दूसरी बात, सबसे बढ़िया चीज एक और क्या है, यही अगर आपकी 4 सब्सिडरी किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच रहे हो तो क्या होगा, ले जाएगा वो, तो वो ले जाएगा, कॉम्पीट करेगा जिन फंड्स के पास आ रहा उनका कोयले से कोई लेन देन कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, तो कोल इंडिया की मोनोपोली भी बरकरार है। तो इसलिए ये है ना, ये अगर ये कर दिया ना सरकार ने, ये रीरेटिंग हो जाएगी स्टॉक की, तब मेरा टारगेट 225 रुपए का बनेगा इवेंचुअली। बाकी तो ठीक है, लेकिन नहीं भी हुआ तो आपको डिविडेंड तो आना ही आना है, 30-40-45 रुपए का डिविडेंड नो ब्रेनर। ये है आपके लिए कोल इंडिया, जो आशीष सर ने पूछा, जिसपे हमारा शास्त्रार्थ हुआ अभी। ओके नहीं मजा आता है ऐसा, ऐसे में क्या होता है आप इस तरह के टफ सवाल पूछते हैं ना तो हम भी तैयारी करके बिल्कुल, बैठते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो हाँ। नहीं सर, और आप अगर लाइफ लो पर कॉल दे रहे हैं तो फिर उसका जो जस्टिफिकेशन है वो भी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके इस बीच कैबिनेट की आज की बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार थोड़ा दिल्ली होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर डाल लें, आप सब लोग रुकिएगा एक मिनट, मैं जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक दिखा रहा हूँ, प्रकाश जावड़ेकर साहब बोल रहे हैं, वापस आ रहा हूँ। ओके सशक्तिकरण का और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल इस सत्र में लाने का एक प्रस्ताव हुआ है जिसकी मूल जानकारी स्मृति जी आपको देगी। ये 26 हफ्ते की 24 हफ्ते की छुट्टी हो या 24 हफ्ते के तक का, ये भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का निर्णय हो, अनेक निर्णय ऐसे या सरोगेसी बिल हो, तो इतने निर्णय किए हैं मोदी सरकार ने, वो दुनिया के देश भी उसको नवाज रहे हैं। दूसरा निर्णय है फसल बीमा के बारे में, 5.5 करोड़ किसान जिन्होंने बीमा लिया है, एक ही आंकड़ा बताऊंगा, 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने भरे और 60,000 करोड़ रुपए उनको कॉम्पेंसेशन में मिले। ओके तो ये है
प्रकाश जावड़ेकर साहब जो कैबिनेट की बैठक के बाद अहम मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग एक बार बता दूं, जिनके हाई पॉइंट पर हुई है 12130, अगर आपने 12000 पर खरीदा और 12135 की हम बात कर रहे थे, एग्जैक्ट हाई 12134.70 का बनाया है, तो वहां तक पहुंचा है। बैंक निफ्टी भी 30842 पर बंद हुआ है, मजबूत क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी लेकिन ज्यादा नहीं, चिंता न करें। लेकिन आइए फाइनल क्लोजिंग आपको बता दें, 12125 पर बंद हुआ है निफ्टी, 30838 पर 275 अंक ऊपर हुआ है बंद बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स 428 अंकों के दमदार उछाल के साथ 41323 पर फाइनल क्लोजिंग आपके लिए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, किरण जी का धन्यवाद, और शुक्रिया खासतौर से आशु सरकार स्टूडियो में आने के लिए।